हरे राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम वैगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीलो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत बलि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मैं सिक्का गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों पर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाधिक प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान श्री महाप्रभु के से श्रीधर ऊपर में कृपा किया, इसलिए उनको ऊपर में तो देखने के लिए घर भी लगते थे, जैसे घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़े साधारण रूप में जीविका निर्वाह करते थे। लेकिन अंदर में देखो महाप्रभु कहते थे श्रीधर तेरे पास में बड़ा बड़ा हुआ धन है, अभी तो तेरे पास में जो लौकी है और तुम्हारे पास में जो केले का फूल केला ये तो दो अभी, लेकिन बाद में तुम्हारा जो बड़ा हुआ धन बाद में मिलेगा। तुम बड़ी कंजूसी ऊपर से दिखा रहे हो कुछ है ही नहीं, लेकिन अंदर में बड़ा होता हुआ धन तेरे अंदर में जो बाद में मिलेगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इनका नाम ही श्रीधर है। श्रीधर मतलब क्या है? बोले श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और जो मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी, धर मतलब तो हर समय श्री राधा रानी को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम श्रीधर है। हैं? लेकिन वास्तव रूप में असली संपत्ति क्या है? लेकिन ऊपर से क्या दिखता? गरीब है। लेकिन भक्तों को जान बूझ करके ज्यादा धन दौलत को एकत्र नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले विषय कृष्ण कृष्ण जानी निश्चय, जहाँ पर ज्यादा ऐश्वर्य भोग होना वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति को तो बड़े दूर में रख देते हैं, दूर में रख करके भोग में ही लिप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान जान बूझ करके अपना भक्तों को ज्यादा धन दौलत नहीं देते। क्यों? ये माया में फंस नहीं जाए, ये माया में फंस नहीं जाए। लेकिन ठाकुर क्या फिर भक्तों को देते नहीं? बोल देते भी ठाकुर जी देते हैं, जैसे श्री सुदामा है। पहले ठाकुर तो इनको कुछ दिए ही नहीं, बड़े दुखी रहते थे, लेकिन कहते ना ठाकुर जब देते नहीं देते नहीं, और जब ठाकुर देते हैं ना कैसे देते हैं, सबर फाड़ कर देते हैं ठाकुर जी। लेकिन जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं सबर हार करके देते हैं। एक छोटी स्टोरी सुनो। बोले एक समय दो पति पत्नी थे, बड़े भक्ति बड़े सीधा साधा रूप में जीविका निर्वाह करते थे, लेकिन 24 घंटा दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते थे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 पति और शौच गए थे शौचक्रिया के बाद में आप देखना उस समय मिट्टी से हाथ साफ करते थे। जब उन्होंने वहां से मिट्टी उठाया हाथ साफ करने के लिए, देखा वहां पर एक कलसी है और कलसी को ऊपर में ढकन है। उन्होंने जब वहां से मिट्टी उठाया देखा कि ढकन ढकन में जो खोल करके देखा एक कलसी को अंदर में मिट्टी कलसी के अंदर में जवाहरात भरा पड़ा हुआ। लेकिन वो जान बूझ करके ज्यादा विषय संपत्ति को संग्रह नहीं कर पाता। क्यों? जानते हैं अगर ज्यादा रुपया पैसा होगा ना उसको रखवा के नहीं समझ जाएगा, फिर प्रभु का भजन करना कभी नहीं। इसलिए बोले राम 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 सबर माया के दर्शन हो। फिर उन्हें क्या किया, उसको बड़े घर तक वापस चले आए। आ करके अपना पत्नी से बोले जानते हो आज क्या भय हो गए, फिर क्या हुआ? जब मैंने शौचक्रिया के लिए गया
मिट्टी को हाथ जब साफ करने के लिए जहाँ से मिट्टी उठाई आप और जगह जो स्वामी की तलसी उसको फिर ढकने राम 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 सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो। लेकिन ठीक उसी समय में कुछ चोर उसी घर में चोरी करने आए थे, वो पीछे छुप करके बात सुन रहे थे। कोई बड़ा बेवकूफ है, इतने धन दौलत को छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हमारी कान में पड़ गया, चलो हम भी उसको उठा कर ले आते। लेकिन वो जब गए देखने के लिए, ये तो संत थे ना, इसलिए इनको तो हीरे जवाहरात दिख रहा था, लेकिन तो चोर है। जब ये ढक्कन को खोले देखा उसका अंदर बिच्छू, तथैया जहरीले सर्प बड़े भयंकर उसका अंदर में बड़ा पड़ा हुआ। तो ये तो बड़ा दुष्ट है, ये हमें मरवाने के लिए ये बताया, चलो इसको ले करके ना उसको घर में ही फेंक करके आते हैं, उसको ही मरे। और वो कलसी पूरा उठा करके लाए और वो छत के ऊपर उठे, उठ करके वो छत था घूस को उसको काटे, काट करके बास वो कलसी को ऊपर से फेंके। जब फेंके लेकिन अंदर में क्या था बोलो, ये जवाहरात था। लेकिन ये दुष्ट थे ना, चोर थे, इनको दिखा क्या पड़ा, बिच्छू सांप जहरीले सर्प और उसने तथैया दिखाई पड़ा। जब उसने ऊपर से फेंके ना, पूरा वो कलसी टूट गई और हीरे जवाहरातों से पूरा पूरा घर भर गया। इतने में वो कह रहे हैं भगवान जब देते ही नहीं जब देते हैं चक्कर फाड़ करके देते हैं, तो अच्छी बात है हम तो उसको छोड़ करके आ गए थे। जब अपने आप आ गया, चलो रोज ठाकुर जी को भंडारा करो और संतों को बुलाओ और खूब संत सेवा करो। रोज रोज संतों की ठाकुर को भोग लगा करके सबको खिलाया करते थे। इसलिए कहते ये जो श्रीधर है, कहते ये जान बूझ करके दीनहीन रूप में रहते थे और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु भजन में बिताया करते थे, भक्ति में बिताया करते थे। इसलिए भगवान पहले भक्तों को नहीं देते हैं, जैसे सुदामा को पहले दिए ही नहीं ठाकुर जी। बोले क्यों नहीं दिए, उदाहरण देकर समझाए। जैसे आपका दो बेटे हैं, एक बेटा का तो पेट बहुत बढ़िया, लेकिन एक बेटा का पेट खराब है। जिस बेटा का देखना पेट बढ़िया है, भैया उसको क्या खिलाएगी, कचौड़ी खिलाएगी, दाल बाट चूरमा खिलाएगी, बढ़िया बुरा पकौड़ा खिलाएगी। लेकिन जिस बच्चा का पेट खराब है ना, उसको क्या खिलाएगी, पतला पतला डालिया बना कर खिलाएगी, सूखी सूखी रोटी देगी। अभी देखो ये माँ एक बेटे को तो दाल बाटी चूरमा खिला रही है और दूसरों को क्या खिला रही है, दालिया खिला रही है। अब बताओ जिसको दालिया खिला रही है माँ की उसको पर क्या कृपा नहीं की है कि नहीं, बोलो है ना, क्योंकि उसको पता है अभी ये इसको हजम नहीं कर सकता है। लेकिन जो हजम कर सकता है इसको क्या खिलाती है, दाल बाट चूरमा खिलाती है। इसलिए ठाकुर पहले जान कुछ करके भक्तों को नहीं देते हैं, ये विषय में फंस नहीं गए। इसलिए पहले सुदामा को दिया नहीं, फिर जो दिया क्या किया, सोने की महल दे दिया। ठाकुर जी दो मुठी चिड़वा खाए और उसको सोने की महल दे दिया ठाकुर जी हैं। इसलिए भागवत में देखो जितने सब भक्तों का कथा आएगा ना भागवत में, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अंबरीश महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, महाराज है राजा नहीं, राजा के राजा हैं सब, बड़े बड़े धनी भगवान के जितने भक्त हैं सब मालदार, सबके सब बड़े बड़े धनी हैं। लेकिन कब देते हैं ठाकुर जी, जब आप उसको हजम कर सकते हैं। उसको पहले ठाकुर जी परीक्षा करते हैं, उसको बाद में फिर तो छप्पर फाड़ करते हैं। इसलिए कोई चिंता मत करो, इसलिए पहले ये सिरधर को दिया ही नहीं, क्यों ये फंस नहीं जाए, विषय में फंस नहीं जाए। लेकिन महाप्रभु बोले बेटा श्रीधर, तेरे पास में तो बड़ी गड़ा हुआ धन है, बाद में मिलेगा, क्योंकि भक्ति धन असली जो धन है, भक्ति का प्रेम भक्ति, और ये प्रेम धन ही असली धन है। ठाकुर जी जब उसको पास में प्रेम धन ही जगत में सबसे बड़ा धनी है। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक की मेरे सदा गुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
महाप्रभु बड़े विद्वान थे। कल सुन रहे थे ना, जो केशव काश्मीर जिसकी जीवा पर माँ सरस्वती बैठी करके स्वयं बात करती, जो विश्व ब्रह्मांड को परास्त करते हुए आया, लेकिन महाप्रभु बात बात में परास्त कर दिया उसको। महाप्रभु बड़े विद्वान थे, लेकिन महाप्रभु दिन रात विद्या विलास में लगे हुए थे। कभी कभी श्रीवास पंडित जब मिलता था बोलते थे, निमाई ये जो जीवन है ना बड़े भाग्य से मिला है, ये जीवन के ऐसे बिताया मत करो, दिन भर तक कभी तक तो पंडित नहीं, भगवान ये मानव शरीर क्यों दिया? वो कहते हैं कद पढ़े के न कृष्ण भक्ति जाने वाले से जो दिन नहीं लगता विद्या की गए। श्रीवास पंडित कहते थे, भैया हम पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? बोले कृष्ण भक्ति को जानने के लिए ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर हमने सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर दिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भैया ये देवाचारिया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगा ये तुम्हारी विद्या पांडित तो कुछ भी संग नहीं, साथ में कुछ भी नहीं जाएगी। इतना बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल सत्य है, सब कोई बात होता है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए महाप्रभु को ये भक्त लोग समझाए करते थे, लेकिन महाप्रभु बोलते थे कोई चिंता मत करो, एक दिन में इतना बड़ा साधु में बनूंगा, इतने बड़े संत में बनूंगा, ब्रह्मा शंकर नारद भी आकर के मेरे चरण में गिरेंगे, इतना बड़ा मैं संत बनने वाला हूँ। अरे महाप्रभु कहते थे मेरा बड़े भाग्य है जो कि ये भक्त लोग मेरे को कहते हैं, बेटा निमाई हरि का भजन करो। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई हरि भक्ति की शिक्षा देता है समझनी चाहिए, हमारी बड़े भाग्य है, बड़े भाग्य है, हैं बड़े भाग्य से कोई हमें प्रभु की बाहर में समझाते हैं। इसलिए कहते हैं ना हमारे जब हनुमान जी जब विभीषण से मिले क्या कहते हैं, आज मोहि भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। इसलिए जब भगवान की कोई विशेष कृपा हो तभी जीवन में संतों का संग मिलता है, और जीवन में जब संत संग मिल जाए, शास्त्र कहता है कृष्ण स्वयं कहते हैं प्रसिद्धि भवति वा नेति संशय अचूत से बिना, कृष्ण खुद कहते गोविंद देव जो मेरे को डायरेक्ट पूजा करते हैं मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम मेरे को पाओ, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता तुम मेरे को प्राप्त करो, डायरेक्ट मेरे जो सेवा पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर मेरे भक्तों की कोई पूजा करता है, कोई मेरे भक्तों की सेवा करता है ना, बोले नी संशय चात्रा भगवत प्राप्ति में उसके कोई संशय नहीं। इसलिए ध्रुव जी को जो भगवान दर्शन दे दिया, बोले ध्रुव मेरे से परमा लो, ध्रुव क्या मांगते हैं, बोले भक्ति मो प्रभु बता कोई ने प्रसंग, बोले प्रभु मेरे को देना चाहते हो तो तुम्हारी भक्तों का संग दो। ठाकुर जी बोले जब मैं स्वयं से मुझको दर्शन दे दिया फिर मेरे भक्त संग क्यों प्रार्थना करते हो, बोले ठाकुर जी आपका आपकी कथा नहीं सुना, तुम्हारी कथा तो सब लोग ही सुनाएंगे, इसलिए जिनकी मुखार बिंद से तुम्हारी कथा रूपी मंदाकिनी की नदी रहती है, अगर उसमें हर समय में गोता लगाते रहोगा ना, बस अपने आप ये मन तुम्हारी चरण में लगा रहेगा। इसलिए हमें संतों का संग दो, साधु संग दो। इसलिए कबीर कहते हैं बोले संत के संग लागी रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, हाँ होए तेरा भगवान तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरा बड़ा भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
इसलिए संतों के संग से ही कल्याण है। अभी महाप्रभु जब बड़े हो गए, महाप्रभु श्री जगत में 48 साल तक रहे। कितना साल तक रहे? 48 साल तक। उन्होंने 26 साल तक उन्होंने गृहस्थ धर्म निभाया और जब 26 साल के बाद में महाप्रभु संन्यास लिया। ऐसे क्यों? बोले महाप्रभु शिक्षा दिया, जो घर में रह करके भगवान की भक्ति करके भगवान को पाना चाहते हैं, उनको घर में कैसे समर्थ बितानी चाहिए, कैसे घर में रहनी चाहिए। और जो व्यक्ति घर छोड़ करके संन्यास लेकर के भजन करना चाहते हैं, फिर उनको कैसे जीवन बितानी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जो घर में रहते थे, एकदम सवेरे सवेरे उठते थे, उठ करके गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान करके जब आते थे, जो महाप्रभु का जो पत्नी विष्णु प्रिया थी, महाप्रभु आने से पहले ठाकुर जी के लिए चंदन घिस कर रख लेती थी, फूल फूल से ठाकुर की समस्त सेवा की सामग्री तैयार कर देती थी। महाप्रभु जब आते थे, आकर के सबसे पहले तुलसी को पानी देते, क्या करते थे? इसलिए आप देखना, पहले पहले लोग यही करते थे ना, तुलसी को उठाने पानी देते थे। बोले क्यों? यदि जो तुलसी है, कहते हैं वृंदा तुलसी देवी प्रिया आई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमः। जब तक ये तुलसी की कृपा नहीं होगा ना, कृष्ण के प्रेम में नहीं मिलेगा। भले ठाकुर को जो कुछ भोग लगाओ, अगर उसमें तुलसी पता नहीं किया ना, कहते ना छापान भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु देखो नहीं माने। जो कुछ भोग लगाओ अगर तुलसी नहीं करो तो ठाकुर स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी की कृपा से ही गर्ग सहित वर्णना किया कि राधा रानी को कृष्ण कैसे मिले। बोलिए राधा रानी भी तुलसी की पूजा करती थी, आरती करती थी, उनकी परिक्रमा करती थी, कुछ सेवा करती थी, पानी देते थे, इन्हीं की कृपा से उनको कृष्ण मिले। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, सवेरे नहा धोकर जरूर तुलसी को घर में पानी देनी चाहिए। और जो तुलसी है लेके जीव कल्याण, तुलसी कल्याणी, ये जीव को कल्याण करने वाली, ये तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी, ये तुलसी। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, रोज तुलसी वृक्ष में पानी देनी चाहिए। पानी देकर क्या करते थे? ठाकुर को सेवा पूजा करते, पहले सालग्राम को स्नान कराते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। इसलिए यहाँ पर बताए गृह मेधि, गृह व्रत और गृहस्थ, ये तीन बात बताए। ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह सुनो। कहते एक है गृह मेधि, एक होता है गृह व्रत और एक होता है गृहस्थ, ये तीन बात बताए। बोले भैया गृह मेधि किसको कहते हैं? बोले गृह मेधि इसको कहते हैं, मेधि मतलब होता है दिमाग में, जिनके दिमाग में ये संसार को छोड़ कर और कुछ नहीं। कैसे? बोले पैसा कमाओ, पैसा कमा करके अपना घर गृहस्थ को पालो पोसो, और सवेरे से लेकर शाम तक घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, जिसका दिमाग केवल इसी में ही घूमता रहता है, इसके सिवाय भगवान भगवान कुछ नहीं जानते। कहते इसको कहते गृह मेधि। बोले गृह व्रत, बोले गृह व्रत किसको कहते हैं? बोले जिसने यही व्रत रख लिया, यही संसार ही सब कुछ भगवान भगवान को, केवल खाओ पियो बस, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा नौकरी कर लो, दो पैसा कमा लो, शादी कर लो, दो चार बच्चे हो गए, बस पालन करते हुए मर जाओ, ये मर जाओ। इसलिए कहते हैं, इनको कहते हैं गृह व्रत, जो गृहों को ही अपना जीवन व्रत बना दिया। लेकिन तीसरा शब्द है गृहस्थ, हम कहते हैं ना गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ किसको कहते हैं? जब पंच पांडव का शादी हो गया, पांच पांच पत्नियां द्रौपदी तो थी और सभी का अलग अलग पत्नियां, पूरा परिवार हो गया। एक दिन नारद जी आए पांडवों के घर में, तब नारद जी के चरण धोए, चरणा पर लिया, नारद जी को सिंहासन में बैठा दिया, पंच पांडव सब चरणों के नीचे बैठे, युधिष्ठिर महाराज नीचे बैठे गए। बोले नारद बाबा, अभी हमारे बहुत बड़ा संसार हो गया है, सभी को पत्नी पति बच्चे हैं, आप ये बताओ
हम घर में क्या करने पर घर में रहते हुए भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकता है, आप कृपा करके बताओ। देखो भगवान कहते हैं बोले गृह ये उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण सख्या उपासित महामुनि। कैसे गृहस्थ कहते हैं किसको? बोले गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता, मतलब पाप कर्म हमें नहीं करनी चाहिए, अपना धर्म पूर्वक पैसा कमाओ। कैसे नहीं अधर्म के द्वारा पैसा कमाए, कमाया अधर्म से जाकर के चिड़िया कुछ दाना डाल दिया, दुखी दरिद्र कुछ नहीं। भैया क्यों कीचड़ लगाओगे? कीचड़ को जब साफ करना, फिर कीचड़े क्यों लगा रहे हो? कीचड़े क्यों लगा रहे हो? अपना धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो, धर्म पूर्वक अर्थ को कमाओ, कमा करके क्या करो, जो कुछ करो काय मान भाग्य से सब कुछ करते हैं, जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए। भगवान रसोई बनाओ क्यों? ठाकुर जी को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगा रहे हो बोले तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे, घर नहीं ये भगवान के मंदिर। पैसा खूब कमाओ, पैसा का बगैर कुछ नहीं होता है, लेकिन कितना याद रखोगे पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं लक्ष्मी गोविंद देव है, नारायण का लक्ष्मी, उनकी सेवा के लिए पैसा उनकी सेवा के लिए लगाओ। इसलिए घर में जो कुछ करते हो सब कुछ कर दो, मेन जो सेंटर ये गोविंद देव होनी चाहिए, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कब तक ये माया है? तो जब तक हम भगवान के लिए नहीं करते, जब मैं और मेरा भाव रखकर करती यही माया, लेकिन जब ठाकुर को सेंटर बना कर करो तो वो माया नहीं, ये भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति है। इसलिए किस चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान से जोड़ो, हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ दो, यही भक्ति हो जाएगी। इसलिए कहते जो कुछ करो संसार में सब कुछ ठाकुर जी के लिए करो, भगवान को सेंटर करके। इसलिए हमारे भक्ति में ठाकुर कहते हैं बोले जे दिन गृह भजन देनी गृह से बोल कब पायो, जे दिन गृह भजन देनी गृह से बोल कब पायो, चरण सिंधु देखिया गंगा सुवर्ण सीमा पायो, जिस दिन घर में भजन कीर्तन हो वो दिन हमारा घर वृंदावन धाम है। इसलिए महाप्रभु गृहस्थ होकर क्या करते थे? ठाकुर को सेवा पूजा भगवान की भक्ति, रोज घर में गीता पढ़ो, नहीं तो रामायण पढ़ो, नहीं तो भागवत कोई पढ़ो। जिस घर में भगवान की कीर्तन कथा वही वृंदावन धाम है, वही भगवान का धाम है। इसलिए महाप्रभु स्वयं गृहस्थ धर्म में और करते थे क्या, रोज रोज 20-25 संन्यास को निमंत्रण देते थे, निमंत्रण दे करके माँ को बोलते थे माँ आज हमारे घर में 20 संत भोजन करेंगे। महाप्रभु तो गरीब घर में जन्म हुई, गरीब ब्राह्मण घर में, भैया तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है, घर में कुछ है ही नहीं, कदा 20 सन्यासी घर में आएंगे कि हम कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन महाप्रभु तो लक्ष्मी पति है, इतने में महाप्रभु जाते थे तो चार तोला सोना ले आते थे, हैं तोला लाकर बोले माँ लो ये पैसा ले, ले करके सब कुछ खरीदी करके लाओ, दाल चावल लाओ, और साक्षात घर में लक्ष्मी विष्णु प्रिया, और विष्णु प्रिया झट चुटकी बजाते ही बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाया करते थे, और ठाकुर को भोग लगा करके महाप्रभु स्वयं अपना हाथों से सन्यास को भोजन कराया, संतों की भोजन कराया करते थे। जब महाप्रभु को सोना देती थी महाप्रभु माँ को बड़ी चिंता में पड़ जाती थी, मेरे घर में तो कोई सोना था ही नहीं, ये माँ से चोरी करके तो इसको नहीं ले आए, लेकिन उनको तो पता नहीं भगवान है लक्ष्मी पति है। फिर वो सोना को लेकर के ना अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाए करते थे, बोले ये तुम्हारी घर का तो सोना नहीं, पता नहीं मेरे बेटे कहाँ से ले आए, बोले नहीं हमारी नहीं हमारी नहीं। अरे भैया जाकर के दुकान से सारे सामान को लाती थी और लक्ष्मी स्वयं बनाती,
तब यहाँ पर कहते हैं जो स्वयं महालक्ष्मी जिसको बनाए, अब स्वयं नारायण जिसको भोजन कराए, भाई हम संत कौन है? बोलिए संत नहीं, ये व्यास, पराशर, वशिष्ठ, नारद, ये बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि, ये सब के सब संन्यास रूप लेकर आते थे। क्यों? माँ लक्ष्मी भोजन बनाती है, स्वयं नारायण हमको खिलाती है। देखो यह शिक्षा देती है, देखो हम जितनी कमाई करते हैं ना, उसका कुछ अंश ठाकुर को सेवा जरूर लगाया, नहीं तो अच्छे काम में लगाओ। भगवान की सेवा में, भक्तों सेवा में अच्छे काम लगानी चाहिए। हम देख लेना जो बड़े बड़े धनी लोग हैं ना, बिरला, टाटा, सब बड़े बड़े जितना बड़ा बड़ा मंदिर है उसको बनाए, भगवान की बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए देखोगे, बड़े दान पुण्य करते हैं। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति को भैया रोड में भिखारी बनकर बैठे हुए, एक पैसा नहीं तो तरस रहे। अभी प्रश्न है भैया इसको पास में पैसा नहीं क्यों, और एक व्यक्ति को पास में इतने पैसा, उसको पता नहीं कितना पैसा हमारे पास है, बोले कहाँ से आया है, बोले कारण है जैसे आपको ब्याज बैलेंस अगर होगा तभी तो मिलेगा, अगर आपने कुछ जमा ही नहीं हुआ मिलेगा कहाँ से, बता मिलेगा कहाँ से। इसलिए पहले लोग, आप गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग देखना, वो बच्चों को हाथों से ही बचपन से कुछ पैसा लेकर के ठाकुर को सेवा में कोई अच्छे काम दान करने करते थे। बोले क्यों? बोले बचपन से इसकी स्वभाव बने कुछ देने का, कुछ दोगे तभी तो कुछ मिलेगा, कुछ किसको दोगे नहीं बोले बैठे बैठे मिलेगा कहाँ से। देखिए एक बच्चा रोड रोड में जो भिखारी इसको घर में जन्म लेता है, एक बेटा अंबानी घर में जन्म लेंगे, क्यों वो अंबानी घर में क्यों जन्म लिया, ये रोड पति के घर में क्यों जन्म लिया, एक करोड़पति घर में एक रोड़पति घर में क्यों, कारण क्या? कारण है जिसको पूर्व जन्म में जैसे संस्कार है ना, जो जैसे कर्म करके आए ठाकुर ठीक वैसे ही जन्म देते हैं। अंबानी घर में केवल जन्म लेने का बाकी रह जाए, बनते क्या होगा, सारे संपत्ति का मालिक अपने आप बने जाएंगे कब, जन्म लेने पर। क्यों क्यों वहां पर जन्म हुआ कि दिया है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु क्या करते थे, शिक्षा देते हैं, बोले गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे, पशुपति है ते अधम बोलता है। बोले जो गृहस्थ व्यक्ति है वो करके है, अगर अतिथियों का सेवा नहीं करता है तो भैया ये पशुपति से भी गया दिखाई, ये पशुपति से भी गया दिखाई व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं, तो श्लोक में कहते हैं कदाचन। अगर घर में कोई अतिथि आया है, अगर तुम्हारे पास में कुछ देने का नहीं तो यह गाली गलौज बन कर, गाली गलौज नहीं, कितना अतिथि देव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव बोलते हैं ना, तब यहाँ पर कहते हैं त्रिनादी। अगर घर में कुछ है ही नहीं, बैठने के लिए कोई आसन भी तो होगा, उसको तो बैठा सकते हो हैं? अगर ये तुम्हारे घर में बैठने के लिए कुछ नहीं, कहते भैया एक गिलास पानी भी तो होगा, एक ऐसे में कोई पानी भी नहीं, अगर तुम्हारे घर में पानी नहीं तो मिट्टी बोली तो है, इसके लिए तो कोई तुमको तो पैसा की जरूरत नहीं होगा है। कहते ये तो कभी हर किसी ऐसे गृहस्थ घर में तुम दो मिठी बोली नहीं बोल सकते, इसलिए कहते ना भैया इसको अगर भलाई नहीं कर सकते तो इसकी बुराई भी मत किया करो। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु स्वयं गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए, इसलिए महाप्रभु भक्तों को दो आदेश दिया है, बोले अगर ये दो काम कोई करेगा तो आसानी से भव सागर से पार हो सकते हो। जो दो काम किया है बोले वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु ने दो काम कर लो बस तुमको भगवान मिल जाएंगे। पहला काम किया, पहला है वैष्णव सेवा, संतों की जितना समर्थ है तुम्हारे समर्थ का अनुरूप थोड़ा सेवा करो, दूसरों को कल्याण करो, संतों को खिलाओ। देखो गुरु जी की स्टोरी बोलते थे सुन लो, बोले एक समय एक संत गांव में रोज भिक्षा के लिए जाता था, जो चावल आटा जो कुछ देता था लाता था, ला करके ठाकुर जी के लिए भोग बनाता था, भगवान को भोग खिलाता था, ठाकुर को भी देता था, खुद भी खाते थे, जो अवशिष्ट है ना सबको खिलाया करता था।
लेकिन गांव में एक माता जी थी, बड़ी कर्मिसी, एक पैसा हाथ से नहीं निकले। जब ये संत उसके घर में जाते थे ना, वो माता जी रोज गाली निकालता था, तेरे को शर्म नहीं लगता है, रोज भीख मांगने चले जाते हो, हैं? रोज गाली दिया करती थी। एक दिन आपको पता होगा, पहले तो सीमेंट का घर नहीं होता था, मिट्टी का, और घर को कैसे पोता लगा देते, गोबर और मिट्टी से घर को पोता लगाया करते थे। वो माता जी सवेरे सवेरे गोबर और मिट्टी से घर को पोता लगा रही थी। इतने में वो संत आ गए, बोले माता जी तो जो भिक्षा दे, बोले दारी के तेरे को शर्म नहीं लगता, तो सवेरे सवेरे आ गया भीख मांगने के लिए, बोले ले। और जो थाना गोबर मिट्टी का जो कपड़ा था, उसने वो उस उठाया उसको और मार को संत गोबर में। लेकिन कहते संत हृदय नवनीत समान, संत बड़े दयाल होते हैं। संत ने देखा अभी तक तो ये बूढ़ी माता कुछ भी नहीं देते थी, लेकिन आज कम से कम गोबर मिट्टी से पका हुआ कपड़ा तो दे दिया। तब उसको ले करके पानी में मलमल करके धोए और धूप में सुखाए और शाम को उसमें बत्ती बना करके घी में उसको डुबो करके राधा मदन मोहन जी को, गोविंद देव को उन्होंने आरती उतारी, ठाकुर जी को उन्होंने आरती उतारी। बोले जय जय राधा कृष्ण युग लमिला, जय जय राधा कृष्ण युग लमिला, आरती करे ललिता दिसि गगना, आरती करे तो संत जब ठाकुर का आरती उतारी, बताओ गति किसका था कपड़ा? वो बूढ़ी माता जी थी। एक वो कहाँ लेके आ, अभी गोविंद देव की सेवा, गोविंद देव का आरती उतार रहे हैं। और जब ठाकुर जी के आरती उतारने लगे थे, वो क्या महिमा, जब उसकी कपड़े ठाकुर को सेवा में लग गए ना, उसका हृदय अपने आप पिघल गया, अपने आप उसका हृदय में विकार आने लग गया। हाय रे संत, कितने दयालु, कितने कृपालु, घर में तो आए, हमने कुछ भी नहीं किया, और गोबर और कपड़े से पत्थर, ये कपड़े को मैंने फेंक करके मारे, मैंने बड़ा अपराध किया। जब कल वो संत आ जाएंगे ना, मैं मेरे संतों की सेवा करूंगा। रोज जो बाबा गाँव में आते थे, जब वो दूसरे दिन ही आए दूर से, बोले बोले बाबा जी आज मेरे घर में भी आए हो। बाबा जी बोले ये तो रोज गाली देती थी, घर में कैसे बुला रही, ये घर में कैसे बुला रही है। जब वो संत घर में आए, प्रणाम किया, माफी मांगी, बोले बाबा आपको मैंने कपड़ा फेंक करके मारे, माफ कर दो। बोले मैंने अपराध लिया ही, बोले आप मेरे घर में भी थोड़ा बहुत जो देती हूँ लेकर के ठाकुर का सेवा करें। यहाँ पर कहते जब हम भगवान की सेवा में जब कोई चीज लगाते हैं ना, हमें ठाकुर का आशीर्वाद मिलता है। और जब हम संतों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? बोले संतों के हृदय में ही रहते हैं, संत हृदय में ही भगवान का निवास। जब उसके हृदय में संत की निवास है, भगवान खुद कहते हैं मेरी सेवा में मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, मैं मेरी संतों सेवा से मैं ज्यादा प्रसन्न, में संत सेवा से होता हूँ, क्योंकि संतों का हृदय में ही भगवान का निवास है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं
पहला नंबर तो संतों की सेवा करो और दूसरा जो काम है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की नाम कीर्तन करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 जो पत्नी विष्णु प्रिया की वो क्या करती थी पता नहीं आप क्या बोलते हो, जैसे रोली से बना सोसली के बनाते हैं ना घर के सामने रंगोली छोटी रंगोली रंगोली, यहाँ पर माँ स्वयं विष्णु प्रिया घर में रंगोली बड़ी सुंदर सुंदर सोसली बनाती थी। और कहते हैं ईशान वायु नरे के अग्नि कोण में चारी कोण में ये बड़े सुंदर श्वेत पीत रक्त और कृष्ण वर्ण की बड़ी सुंदर रंगोली और सर्वत्र भद्रा बनाया करते थे। तो यहाँ जब पुराण में कहते हैं अगर ये चीज कोई करेगा तो क्या लाभ देगा, कहते उसकी घर में लक्ष्मी कभी घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी, उसकी घर में लक्ष्मी हर समय टिकी रहेगी, इसलिए माताएं ये सब रंगोली बनाती थी पुराण में बताया। इसलिए स्वयं विष्णु प्रिया लक्ष्मी देवी अपना घर में ये स्वस्तिक बनाया करती थी, कहते अगर इसको कोई करेगा दूसरा लाभ है यदि उसको भगवत वैकुंठ धाम पास होगा, कहते सात जन्म तक कभी वो विधवा नहीं बने, पति को पति कभी भी इसको सामने पति कभी मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, कभी वो विधवा नहीं बनाए। इसलिए आप लोग देख लेना पहले पहले घर में बनाते ना रंगोली सबके सब घर में बनाती थी, इसलिए ये विष्णु प्रिया स्वयं रोज ये रंगोली स्वयं बनाया करती थी, है बड़ी सुंदर स्वस्तिक वासना प्राप्त करती थी। अभी एक दिन कोई एक ब्राह्मण कोई घर कोई एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था तपन मिश्र। ये जो तपन मिश्र इन्होंने एक प्रश्न बड़े बड़े विद्वान को किया है लेकिन ये बड़े बड़े विद्वान इसका सही उत्तर नहीं देता। इनका प्रश्न था हम जीवन में हमें क्या करनी चाहिए और ये जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी साधन क्या और जीवन का साध्य व प्राप्ति किया है, जीवन का लक्ष्य किया है। हाँ देखो इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया हमारी अंदर में भी तीन चार क्वेश्चन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए मतलब के आदमी मतलब मैं कौन हूँ। घर में कोई भी दुख को नौता नहीं देता है, कोई देता है लेकिन बिना बुलाए ये दुख घर में क्यों आता है, फिर हम आए कहाँ से, फिर हमारे फिर एक दिन हमें संसार से जाना जाना तो जाना कहाँ, फिर हमारे पिताजी की माताजी गए तो गए कहाँ पे। कहते अगर किसी जीवन में अगर ये क्वेश्चन आता है ना समझना मानव जन्म का पहला चरण सीढ़ी में तुमने प्यार रखा, अगर किसी अंदर में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अगर भगवान के संबंध में अगर कोई प्रश्न आया तो समझना भैया भक्ति का पहला सीढ़ी में तुमने प्यार रखा। सबके अंदर में क्वेश्चन आनी चाहिए, कभी आता है कभी तुम्हें कौन हो कहाँ से आया क्यों आया क्या कर रहे हैं, फिर हमें जाना कहाँ, अगर ये घर होता तो क्यों एक एक गए क्यों, फिर हमें क्यों जाना पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने दो प्रश्न सब दुनिया को किया है, जीवन का कर्तव्य किया है क्या करनी चाहिए और जीवन का साध्य किया है मतलब जीवन की लक्ष्य किया है। इन्होंने बहुत लोगों को ये प्रश्न उसने किया है लेकिन इन लोगों तो तरह तरह के उत्तर दिया लेकिन ये सैटिस्फाई नहीं, जो मुमुक्षु कहते तो मुक्ति सब कुछ, जो कर्मी कहते नहीं जाकर के स्वर्ग में जाओ है, जो भोगी कहते जगत में खूब पैसा कमा भोग करो और मर जाओ, अलग अलग लोग कोई रेचव कोई कुंभक कोई पुरस्रण कोई अध्ययन कोई स्वास्थ्य तरह तरह का लोग अलग अलग कर्म करते हैं लेकिन उन्होंने सबको ये प्रश्न किया लेकिन कोई इसकी सही से उत्तर नहीं दे पाए, बड़ी चिंता में बड़ा अशांति भोग कर रहा है बोले सब इसका कोई सही से उत्तर नहीं दे पा रहे। इतने में एक दिन बड़े दुखी होकर के साई ने कर किया और भगवान से प्रार्थना किया ठाकुर
ये प्रश्न का क्या मेरे को सही जवाब नहीं मिला, नहीं मिलेगा। अब देखना, अगर हृदय से भगवान से कोई चीज प्रार्थना करो ना, ठाकुर जवाब देते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगतम जनमाम उपजाति। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर सच दिल से मेरे को कोई पुकारता है, निष्कपट हृदय से मेरे को अगर कोई पुकारता है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। ददामि बुद्धि योगतम, उसको बुद्धि करना प्रदान करने वाला मैं हूँ। क्यों? सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप में नहीं बैठा, सभी के हृदय में नहीं बैठा। इसलिए अगर हृदय से कोई चीज आप हृदय से प्रार्थना करो पुकार, जरूर ठाकुर इसकी आवाज देते हैं। जब उन्होंने रात को सो गया, चिंतन करते करते ठाकुर को प्रार्थना करते करते, जब उन्होंने एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने एक स्वप्न देखा, कोई एक देवता उतर करके आया और उतर करके आया, बोले देख बेटा तुम्हारे घर के पास में कल एक बहुत बड़ा महापुरुष आएगा जिनका नाम श्री सच्चिदानंद गौर है, श्रीमन महाप्रभु आएंगे, तुम उनको ये प्रश्न करना, सही जवाब उनको मिलेगा। कल उनको प्रश्न करना, सचमुच से सवेरे महाप्रभु स्वयं आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए और देखा सचमुच से स्वप्न में जो महापुरुष को उन्हें दर्शन किया था, वही सामने खड़े हुए। फिर उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने प्रश्न किया है, बोले साध्य और साधन तत्व किछु ना जानी, कृपा करी अहा प्रति कह अपन। बोले प्रभु जीवन का क्या कर्तव्य है और जीवन का जो लक्ष्य है मैं नहीं जानता, आप कृपा करके मेरे को बताओ हमें क्या करनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने महाप्रभु ने तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले देख भैया कहते ये चार युग है और चार युग में चार धर्म है। चार युग क्या किया? सत्य त्रेतया द्वापर और कलि, ये चार युग है और चार युग में चार धर्म है। बोले चार युग में क्या चार धर्म है? बोले कृति जत विष्णु त्रेतया जतम अक्षय द्वापरे परिचर्या कलो तरी के तथा। पहले सत्यु का जो युग धर्म था तपस्या है। अब देखना हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की, वाल्मीकि ऐसे तपस्या की पूरा दीमक चाट लिया, सही पूरा दीमक चाट लिया है। इसलिए सत्यु का जो धर्म था तपस्या था, लोग तपस्या करते थे। तृतीया युग आ गया, फिर देखा तृतीया युग में तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो तृतीया युग में था यज्ञ, जो भगवान को प्राप्त करते थे यज्ञ करके, रोज रोज यज्ञ करते थे। अभी आ गया द्वापर युग, बोले द्वापर युग में युग धर्म क्या है? पहले इसलिए द्वापर युग में जो युग धर्म है भगवान की परिचर्या, भगवान की सेवा पूजा। लेकिन जब कलियुग आया ना, बोले कलौ तद हरि कीर्तना, बोले कलियुग में भगवान को पता है ये कलियुग जीव तपस्या कर नहीं सकता। अब देखो वाल्मीकि ने बिना खाए भी 1,000 साल तक तपस्या किया, कलयुग में बिना खाए भी एक नहीं रह सकते, क्यों? कलयुग में जो प्राण है ना, ये अन्न ही प्राण है। अगर पेट में अन्न जाएगा, रोटी सब्जी जाएगी, तब काम करेगी। एक दिन भी अगर कोई व्रत करता ना, केवल एक दिन उसको बोलो ये काम करो, बोले आज इन्होंने व्रत रखा, मतलब एक दिन भी बिना खाए भी रह नहीं सकता है। इसलिए देखा ये तो तपस्या कर ही नहीं सकते। अभी तृतीया युग आया, तृतीया युग में था यज्ञ। देखा कलयुग में अब किसी पंडित के पास में जाओ, यज्ञ करो, पहले तो उसने इतना बड़ा लिस्ट देगा, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, फिर क्या बोलेगा? बोले पहले इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दोगे तो फिर यज्ञ करेंगे। भैया कहाँ से इतना पैसा कहाँ से लाए और रोज रोज यज्ञ करे? फिर तीसरी नंबर है, जो ब्राह्मण को यज्ञ करने बताओगे उसका मुंह शुद्ध होनी चाहिए, संस्कृत भाषा उसको पता होनी चाहिए। नियम है हर्स्व दीर्घ प्लुत, ये 300 होता है, ये 300 में मंत्र उच्चारण करनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ का उल्टा फल है। भागवत पढ़ कर देखो,
इंद्र शत्रु विभर्जस्य, वो यज्ञ कर रहे थे हैं, इंद्र का शत्रु पड़े, लेकिन कहा हर्षो में दीर्घ दीर्घ से हर्षो हो गया, उसका उल्टा फल हो गया, जिसको मारने के लिए कर रहे तो वही बढ़ गया, और जो जिंदा होने के लिए वही खुद मर गया। इसलिए अगर संस्कृत ज्ञान नहीं होगा ना, फिर वो पंडित जी मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं। फिर जो मंत्र उच्चारण करेगा उसका मुंह भी शुद्ध होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, उल्टा सीधा चीज अगर गुटखा खाता है, उसका मुंह का मंत्र शुद्ध नहीं होगा। तीसरी चीज घी, घी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन अंकल जी को लिखा होगा ये शुद्ध घी है, लेकिन आप सचमुच से जहाँ पर गौशाला वहां पर जाओ, 2,500 किलो घी, अगर प्योर घी अगर आप लोगे 2,500 से कम पैसा नहीं, आपको 500-700 रुपया से कहा घी मिल रहा है, वो सब चर्बी भरी उल्टा पुल्टा चीज मिला होता है, वो प्योर घी है ही नहीं। फिर हवन सामग्री, हम कहीं कथा के लिए रह गए, देखा हवन सामग्री बन रहा था, आपको पता है कैसे, जो लकड़ी का जो बुरादा है ना, वो जो गाड़ी का जो तेल बच जाता है काला तेल, उसको मिला मिला करके बना रहे थे हवन का। आप बताओ इंदिराय स्वा घृणाय स्वा, वो कभी खाएंगे ले सकते हैं कभी नहीं, है इतना पैसा। इसलिए भगवान देखा ये कलयुग में यज्ञ नहीं है। फिर द्वापर युग आएगा, तो द्वापर युग का धर्म क्या है, भगवान की सेवा पूजा करो, रोज पंचामृत लाओ, दूध दही शक्कर घी लाओ, फिर अबूर चंदन कर्पूर फूल माला लाओ, भैया कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए भगवान बोले देखो कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं तुम्हें, बस केवल इधर उधर से बात करते हो छोड़ करके, केवल अपना जीवा से हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा हरे सीता मिथिला जाओ सीता कृष्णा कृष्णा हरे हरे सीता हरे राम हरे राम, जोर जोर से बोला पैसा लगा तो नहीं लगा ना, कोई परिश्रम हुआ है नहीं। इसलिए देखो दूसरे दूसरे युग में ना, दूसरे दूसरे युग में क्या था, तपस्या करने के लिए बड़ा परिश्रम है ना, अब रोज यज्ञों के पास बैठो उसका जो आज लपेट निकलेगा धुआं, बैठना कठिन है, सेवा पूजा के लिए घंटे घंटे कठिन है, लेकिन कलयुग में ना बिना पैसा बिना परिश्रम और भगवान का कीर्तन करना आनंद, दूसरे दूसरे युग में परिश्रम कठोर परिश्रम आनंद कुछ नहीं, यज्ञ पे थोड़ी बैठ बैठ करके आपको सामने धुआं आदि खाते रहो तपस्या करते रहो, लेकिन कलयुग में जो साधन है ना सरल साधन है वो आनंद है। देखो कैसे आनंद है, हमारे साथ में कीर्तन करो एक मिनट, बोला हरे कृष्णा कीर्तन से बोलना ठीक है, ताली बजाते बजाते बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Hare
अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते। महाप्रभु नहीं बताया
एक दिन महाप्रभु शौचन क्रिया में गए, शिक्षा दे रहे थे और अपना जीवा को पकड़ रहे थे। एक भक्त थे जिनका नाम था गोपाल। क्या नाम था? बोले प्रभु आप ये जीवा को क्यों पकड़ के रखे हो? बोले गोपाल ये जीवा है ना, ये हर समय महाप्रभु तो 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करते थे। बोले गोपाल अभी मैं शौच क्रिया में जा रहा हूँ, ये अपवित्र काम है, ये जीवा मान नहीं रहा है, अभी भी हरे कृष्ण बोल रहा है। देखो उन्होंने ऐसी क्या देने के लिए महाप्रभु को बोले, बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ उठने का ताकत नहीं, उसमें पायखाना पेशाब उसमें कर रहा है, प्रभु उसको हरिनाम करनी चाहिए। बोले का नाम तो अपवित्र कैसे नाम ले सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब इतना बोले ना महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। बोले गोपाल आज तेरा नाम गोपाल नहीं, आज से तेरा नाम गोपाल गुरु, गोपाल गुरु तेरा नाम, महाप्रभु को गुरु उपाधि दिया। अब भागवत में अजामिल का नाम सुना, देखो यहाँ पर कहते हैं भगवान के नाम कैसे कल्याण करता है, कहते इसका नाम था अजामिल। अजामिल मतलब क्या है? अजा मतलब होता है माया, नील मतलब जो माया में मिला हुआ। कितना बड़ा पापी था, अपना धर्म पत्नी को त्याग दिया, ब्राह्मण को, एक वेश्या को साथ में रह रहा था और उससे 10 बच्चे हुए। उसको पालन करने के लिए उसने चोरी गुंडागिरी डाका सब कुछ डाला। ऐसे कोई पाप नहीं जो पाप नहीं किया जाने, इतना पाप उसने किया। फिर बिस्तरा में अंतिम समय में लेटा हुआ था, उसमें टाटी पेशाब कर रहा था, क्यों? जब दूध लेने के लिए आए गले में फांस लगा कर खेच रात कर दी, वो टाटी पेशाब कर रहा था, अपवित्र अवस्था था। फिर उसी समय में भगवान का नाम लिया, भगवान को नहीं बुलाया था, अपना बेटे को बुला लिया। दूर से देखा बेटे को, बोले बेटा नारायण, वो बेटे को बुलाया, भगवान को नाम नहीं लिया। फिर किसी अवस्था में नाम लिया, जैसे भगवान का नाम बैठी करके हम अच्छे तरह से ले नहीं, उस समय जमदूत गले में काल खास को लगा करके खेच करके ले जा रहे थे, उसमें भयानक अवस्था, चित्कार करते हुए उसने बुलाया। लेकिन भगवान का नाम तो देखो प्रभु, नाम में कितने शक्ति, यहाँ पर कह रहे कितने शक्ति भगवान का नाम पर। उन्हें बुलाया बेटे को अपवित्र अवस्था में और इतना बड़ा पापी, लेकिन जब उसने नारायण नाम बोला बेटे से चार कुछ, बोले माँ भयो कोई डर भय की बात नहीं, हम तुमका रक्षा करने वाले, कोई चिंता मत कर, रक्षा किया हमने और कहाँ भगवान का धाम ले गए, धाम ले गए। इसलिए यहाँ पर कहते भैया महाप्रभु कहते हैं बोले रात्रि दिन नाम लय खाई ते सुई ते ताहर महिमा दे दे नाही पर दीते। जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम लेता है कहते भेद ही उसकी महिमा को बता नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते ना जने पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्जनम, कौन हरि का नाम ले सकता है? बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं, जो पूर्व जन्म में 100 जन्म तक ठाकुर को गोविंद देव की सेवा पूजा करते हुए आए हैं, वही व्यक्ति इसी समय में भगवान का नाम को वही ले सकते हैं। हम लोग ताली बजाओ आप लोग के लिए जो हरिनाम ग्रहण करते हैं, कितने भाग्य से। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं अस्ति एक महान। महाप्रभु ये परीक्षित महाराज कलियुग को क्यों स्थान दिया? कलियुग को प्रवेश करना चाह रहा था परीक्षित महाराज, खबरदार जब तक मैं हूँ प्रवेश नहीं कर सकते, निकल जा यहाँ से, जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जा? संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राज होते हैं, जिधर जाता हूँ उधर आपको धनुष लिए खड़ा देखता हूँ, इसलिए प्रभु मेरे को स्थान दो। परीक्षित महाराज ने देखा दूं कि नहीं दूं, लेकिन देखा कलियुग में अधर्म अधर्म पाप ही पाप, लेकिन कलियुग में एक ही गुण है श्री कृष्णा देव कृष्णस्य मुक्तम बंधन प्रपद्यते। अगर कोई थोड़ी सी हरि का नाम ले लेना ठाकुर इतने से ही रह जाए, इतने से ही ठाकुर खुश हो जाएंगे। बोले भैया पाप तो पाप तो रह जा, तू रह जा कलियुग, क्योंकि तेरे युग में थोड़ी सी कोई हरि का नाम लेगा तो बड़ा पार हो जाएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें? हर समय भगवान के नाम को खाते उठते बैठते सोते हर समय भगवान के नाम लेनी चाहिए। एक बार हाथ उठा के बोलो प्रकाश को जरा जाते जो प्रकाश को जरा बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
तत्व जितने भी सकल हरि नाम संकीर्तन काय सकल समझेगा कि नहीं आप लोग। कहते जीवन में जो साधन क्या है, क्या करनी चाहिए जीवन में, हरि का नाम करना। साध्य किया मतलब प्राप्ति किया, मिलेगा क्या, बोले हरि का नाम ही मिलेगा। साधन भी भगवान का नाम है और जो प्राप्त है ना भी भगवान का नाम है, प्राप्ति भी भगवान का नाम और प्राप्ति कृष्ण प्रेमी प्राप्ति साधन हरि नाम है। इसलिए आप देखो हनुमान जी मुक्त महापुरुष है ना, हरि नाम जी मुक्त महापुरुष है कि नहीं। लेकिन बताओ दिन भर करते हैं क्या, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, दिन भर ये करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं, बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा जी, शंकर जी पंचमुख में राम का नाम लेते हैं। गणेश जी क्या करते हैं, आप पढ़ कर देखो, बोले महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, तो नाम के प्रभाव से उनको पूजा हो रही है। माँ देवी को देखो आठ आठ हाथ में एक हाथ में माला है, और सरस्वती को देखो चार हाथ में एक हाथ में माला, देखो ब्रह्मा जी की चार हाथ में देखो एक हाथ में माला है। भैया जितने 33 करोड़ देवता है ना, केवल प्रभु की नाम ही जप करते हैं। सारा दुनिया को जो कुछ दे रहे हैं ना ठाकुर को नाम से दे रहे हैं, केवल ठाकुर का नाम। जगत में वही व्यक्ति उतना बड़ा है जो जितना हरि का नाम को जप किया। महाप्रभु बोले बेटा हरि का नाम, हम भारतीय है ना, देखना जीवन में जो कुछ करना कर लो, मरते समय क्या होगा, जब चार व्यक्ति ले जाएंगे यही तो बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात होता है, यही बोलते कि नहीं। बोले जीवन में जितना हरि का नाम लिया वही जा रहा है, और जो कुछ किया तुमने जीवन में तुमने झूठा में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रहे, जिन्हें प्रभु का नाम ही यही साधन और यही साध्य। इसलिए हम लोग क्या करनी चाहिए, उठते बैठते सोते हरि का नाम जप करनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे श्लोक प्रभु जी ये हमारे बड़े गुरु भाई है, और ये जो सिस्टर है भक्ति प्रज्ञा मिश्रा केशव गोस्वामी महाराज, हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, ये इनके गुरु भाई एक साथ में रहते थे हैं, प्रभु जी एक साथ में मथुरा में रहते थे। और महाराज हमारे इतने ग्रंथ हिंदी भाषा में जितने ग्रंथों को प्रकाशन करते थे वो एडिटर भी यही थे, सारे एडिटर यही करते थे सबके साथ। इसलिए इनका जो विवाद देना क्या है, PhD LLB बहुत कुछ इनकी उपाधि है, लेकिन इन्होंने हर तरह से किसी हम कभी भी प्रभु जी को किसी काम के लिए प्रभु जी को बोल देना, प्रभु जी ये है रात रात में 2 बजे क्यों नहीं हो, अगर इनको कोई बात हम बोल देते प्रभु जी उसी समय प्रभु तैयारी में आ जाए। ये है किसी समय भी प्रभु जी को बुलाओ उसी समय प्रभु जी सेवा के लिए तैयार रहते थे। आपके एक तरह से गुरु अपना हमारे हम लोग जब गुरु जी हैं उनके बड़े गुरु है, ये आप लोग भी गुरु के लिए रहेंगे। आपको प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, प्रभु जी कृपा करके प्रभु जी आएंगे। ओम ज्ञान सुरं दृष्टो गणंदन सदा प्रभुं कुलिनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवदाय आचार्य सिंह रूपये जीवन का परम पवित्र और सौभाग्य दिन है जिस दिन हमारे कानों में भगवान की कदम से संबद अगर पान करते हैं तो बड़े दिन शुभ है। और जैसे हमारे कानों में भगवान की कथा सफल न हो पाए वह हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्दिन है। महाराज जी के मुखाग्नि से महाराज जी
बचपन से ही आपने बड़े बड़े महापुरुषों का संकल्प किया है। महाराज जी स्वयं विश्व के अनेक देशों में स्वयं भागवत कथा के माध्यम से महाप्रभु की वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं, विदेशों में भी गए हैं अनेक बार। ऐसे महाराज जी का के मुखार से श्रवण करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब जब अपने बल पर कोई काम करते हैं तो वह कार्य कभी सफल नहीं होता, इसलिए हमें ठाकुर जी को सब समय हमारे आगे रहना चाहिए। कोई भी कार्य करें, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि कोई करता है सर्विस, कोई बिजनेस, कोई मजदूरी, ये हम सब भगवान के लिए करें, यह उद्देश्य हमारा होना चाहिए। ये निमित्त हमारे भगवान हमारे जीवन में हमें कभी कोई कष्ट अभाव और व्याधि नहीं आई। व्याधि आती है हमारे शरीर में तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है, अरे इनको तो विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी कमी है, तो वो परीक्षण करके उसी प्रकार की औषधि देता है। किंतु स्वामी महाराज जी कहा करते थे कि भक्ति विधान से स्वामी महाराज जी इस पॉइंट के अंदर कि ये पांच विटामिन हैं, ए बी सी डी सी, इसके अलावा कोई विटामिन नहीं है। इनका हम सेवन यदि करें तो हमारे जीवन में कभी कोई व्याधि नहीं है। विटामिन ए का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ वैष्णव, अर्थात भक्तों का संघ हम करते हैं जीवन में। बी विभोर भागवत रीडिंग, हम भागवत को श्रवण करें। भागवत दो प्रकार के होते हैं, भक्त भागवत एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत स्वयं नहीं हो पाते हैं, जैसे महाराज जी आज अनेकों महीनों बाद यहाँ आए हैं, साल में एक दो बार आते हैं यहाँ पर, तो ये संभव नहीं है कि हमें रोजाना हमारे घर पर कोई कस्टम आए कि हम उसके पास जाएं आश्रम में, तो आश्रम की ऐसे नहीं शुद्ध कस्टमों की शुद्ध वैष्णव हम कहाँ मिलते हैं। आप दिन में भी खोजने के लिए निकले तो मैं समझता हूँ शायद ही कहीं कोई शुद्ध वैष्णव शुद्ध संत आपको प्राप्त हो जाए। ये बी और भागवत रीडिंग, सी और चैंटिंग हरिनाम, भगवान का नाम का कीर्तन करो, जप करो, ये विटामिन सी हो गया। डी डांसिंग बिफोर राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, भगवान के सामने आप नृत्य करो और खूब खाएंगे जितना खाते उतना आता भी खाएंगे और फिर नृत्य करेंगे सबको फंस जाएगा। डांसिंग बिफोर राधा मदन मोहन जी, जो भगवान के सामने नृत्य कर लेगा ना तो वह 84 लाख उम्र में उसको नाचने के लिए इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब बचा विटामिन ई, ई का मतलब होता है ईटिंग ओनली महाप्रसाद, हम केवल ठाकुर जी का महाप्रसाद ही खाएंगे, यही मतलब एकादशी करो और एकादशी भी करनी है बता रहे हैं, मुझे ये बोलने वाला था बोलता मैं। और महाराज जी के गुरुपाद पद्म आपके श्री भक्ति श्री सिद्धांत हुसैन महाराज जी के ज्यादा मठ नहीं है, नवद्वीप में है, कलकत्ता में है, पुरी में है और वृंदावन में है। सबसे संसार के सारे गौरी मठों में जो तो ठाकुर जी की जो चित्रकला है तो आप देख रहे हैं ना, वो आपके ही मठ में है और उसकी निकल आज सारे गौरी मठों में हो रही है, इससे पहले कहीं थी। आपके गुरु महाराज जी जब एक बार बंगाल के फिगर थे महापुरुष वाणी प्रदाय करने के लिए, तो वहाँ पर सारे लोग जो है वो वैष्णव नहीं थे, वो सब जो है वो टैगोर के और कौन था दूसरा संत है, तो वो उसके अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि ये तो सारे जो है ये सब छागल हैं, मैं आखिर बकरी हैं और ये देश कुमार है, मैंने विवेकानंद को सब लोग मैंने फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद मतलब है कि ये स्वर्ण है। जब ये कहा गया उन्होंने कहा कि बिजली के साहस देखिए आप, हजार लोगों की भूल में कहा था कि विश्वरंजित है, तो ये विचार तब से रूपा जी को पता लगा मायापुर में
कि मेरे एक शिष्य ने ऐसा कहा है, बहुत खुश हुई का आज मेरा 1,00,000 योगदान किया है। तो ऐसा निर्भीक फिकायदत होना चाहिए, ऐसा फिकायदत हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मन हृदय में यह काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर रहता है। तो मास्टर को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी गुण हैं इस समय होते हैं, यहाँ तक कि संतों में होते हैं, हमारे गुरुजनों में भी हैं, प्रभुपाद में भी थे, सब में थे, सब में रहते हैं। अलग अंतर है, अंतर काम वो वैष्णव जो है वो कामना करते हैं भगवान अदर बोध के चरणों की प्राप्ति की कामना। क्रोध कहाँ करते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, बस तो उसकी कोई वो है खेदा था आदमी, इतना भयंकर रूप से उसके सिद्धांत के अनुसार शास्त्र उसको ऐसा माने डांट रहे थे कि तुमने कहा भगवान निर्विशेष है, निर्गुण है, तुमने तुम्हारे पिताजी को देखा है, तुमने पिताजी के पिताजी को नहीं देखा है, उनके पिताजी को तुम्हारे नहीं देखा है, और तो क्या हम ये कहेंगे वो निराकार थे, उनका आकार नहीं था क्या, हमें देखा नहीं है तो हम उनको जो है निराकार नहीं कह सकते। भगवान साकार हैं, सभी शेष हैं। जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, उसकी एक प्रोसेस है, क्रिया है, वो हम करेंगे तो मक्खन दिखाई देगा। किसी प्रकार से जैसे दूध को गर्म करेंगे, दही जमाएंगे, बलवाएंगे, मक्खन निकलेगा, ठीक इसी प्रकार से भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए एक विधि विधान है। संबंधों अविधेय और प्रयोजन सारे शास्त्र जितने भी हैं संसार के, वेदों से लेकर के अपराणों तक यही नीति तत्वों का वर्णन किया गया है। क्या क्या संबंधों अविधेय और प्रयोजन, संबंध क्या है, संबंध देवता कौन है हमारे, मदन मोहन जी गय काम छूटो मस्त सर्वप्रदा भोजो राधा मदन मोहन, ये संबंधी देवता। हमारा संबंध भगवान से और होना चाहिए, और संबंध कब होगा भगवान से, जब एक माध्यम होता है भगवान के पास पहुंचने के लिए, वह है सदगुरु का पदाश्रय। उसके बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। स्वयं भगवान ने शिक्षा दी है हमको, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाया था ईश्वर को ही पा, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए थे सांगीपनी को, राम ने गुरु बनाया था वशिष्ठ जी को, जब भगवान ने तब गुरु बनाए हम तो क्या चीज है। हमारे गुरु का चरणा से कीर्णा हमारी सहगति नहीं हो सकती है, ये सदगुरु का चरणा से करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे संत शुद्ध वैष्णव बड़े भाग्य से मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ पर आज विराजमान हैं, और ये अपने ये सब पर कृपा करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपके अनेक मठ यहाँ पर दिल्ली में और यूपी में गए हैं, तो आप जो है आपके अनेकों भक्त गृहस्थ और घर जाके आप देख रहे हैं सब सबके भक्त में इनके आनंद में निधरण करते हैं, और सब बहुत शिष्य हैं इनके, तो शुद्ध हरिनाम के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह है अविधेय, संबंध बता दिया मैंने आपको, अविधेय अविधेय माने होता है साधन, साधन है ये, हमें भगवान का जाप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, मैं हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो सबसे नीचे क्या है, हरि गुरु वैष्णव, वैष्णव सबसे नीचे हैं, वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हमको सदगुरु की प्राप्ति होगी, और गुरुदेव की सेवा करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हरि गुरु वैष्णव वैष्णव की सेवा, भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है मैं उसकी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना प्रसन्न मेरे भक्तों की जो पूजा करता है मैं उससे अधिक प्रसन्न होता हूँ। इसलिए मैं वैष्णव की सेवा अवश्य करनी जीवन में। आप देखते हैं जैन संप्रदाय के लोग जो भैस्त्री घर रहे थे लोग हैं, मैं तो देखता था गलियों में जैन साहब निकलते थे दिगंबर,
तो अनेक माता बहनें हाथों में लेकर कोई नारियल कोई मिठाई कोई रबड़ी कोई पुस्तक फल वगैरह लेके खड़ी रहती कि हमारे घर में ये ज्ञान साधु आवे हमारी वस्तु को ग्रहण करें। और जिसके यहाँ संकल्प लेकर निकलते थे घर से अपने स्थान के आसन से कि अमुक चीज मुझे दिखाई देगी उसी का वस्तु को मैं ग्रहण करूँगा। तो वह महिलाएं या पुरुष बड़े अपने आप को स्वभाव समझते थे जिस वस्तु संकट उन्होंने किया है वो वस्तु किसी के हाथ में है उसी पर ले जाकर। इसलिए संतों का इतना महत्व है यह समुदाय में उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी साधन धर्म है। साधन धर्म क्या है? साधन धर्म आदि धर्म है, षष्ठी से पहले का धर्म है, यह कभी भी शांत नहीं होने वाला धर्म। इसलिए हमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाई बीच में हम महाराज जी के मुखारबंद से हम यहाँ सेवा ये कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं अभी समझ नहीं लूँगा, मैंने महाराज जी ने याद किया था और मैं यहाँ सचिवालय में मैंने सर्विस दी है जयपुर में 40 साल तक। इसके बाद मैं वृंदावन में निवास करता रहा हूँ, घर पर कहीं पर है। तो हाफ ऑफ जीवन का लिप किया वृंदावन और हाफ ऑफ मन है जयपुर। मैं अपनी वाणी को ये बात करता हूँ वंशानंदन गौर हरि की नित्यानंद प्रभु की ओम प्रकाश ब्रजवासी प्रभु की गौर अवल हरे कृष्ण राजा मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना मेरी विनती यही है राधा श्री राधा राधा राधा
उसको तिलक लगा कर भेजते थे, देखना कोई अच्छे कोई बिजनेस के लिए जा रहे हो
तिलक परिवार वाले तिलक लगा कर बैठते हैं क्यों? तिलक लगा कर जहाँ जाओगे मैं जरूर विजय हूँ, जरूर विजय होगा। इसलिए पुराण में बताए लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, हमारे जितने भक्त लोग सुन लो, आज आप तिलक के बारे में बता रहा हूँ, सुनना दूसरों को भी सुनाना क्यों तिलक लगानी चाहिए। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्यं भवत देहे जस्य पद्मांकित पतन। ये जो तिलक धारण करते हैं हम बारह जगह पर शरीर में तिलक लगाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति शरीर में तिलक लगाते उसको शरीर में कौन? लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा गीता सीता लक्ष्मी राधा रानी सब उसको शरीर में निवास करते हैं। बोले गया गंगा कुरुक्षेत्र, ये गया गंगा कुरुक्षेत्र जितने नदी हैं जो तिलक लगाते हैं उसको शरीर में ये सारे तिलक वास करते हैं। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं अगर कोई तिलक धारण किया हुआ हो कहीं भी तुम्हारी शरीर छूट जाएगा। भगवान कहते हैं स्वपाक अभी वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, ममलोक महियते वो सीधा वैकुंठ धाम जाए, सीधा वैकुंठ धाम में जाए। ये स्वयं भगवान की बात को स्वयं कहते हैं है? इसलिए भैया तिलक लगाने का बड़ा महत्व, और जो हम तिलक लगाते हैं ना ये साधारण वस्तु नहीं है। एक दिन ठाकुर जी को नारद जी बोले प्रभु जगत में आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले नारद जी के समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन ठाकुर गोविंद देव जान बुझ कर गुफा सरस्वती बुलाई, वैद्य लोग को बुलाया, वैद्य लोग बोले भैया हमें तो कोई पता नहीं चल रहा है कैसे सही होगा। इतने में नारद जी आए बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जी भवसागर से पार हो जाते हैं और तुमको बुखार और सर दर्द हैं, आप बताओ कैसे सही होंगे। बोले देखो अगर मेरे कोई प्यारे भक्त हो वो अपना चरण धूलि दे उसमें स्नान करेंगे तो सही हो जाएगा। बोले नारद दुनिया कहते तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, चरण धूलि दे तो बोले राम 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 राम। बोले प्रभु चरण धूल देकर तो मेरे को क्या नर्क भेजना चाह रहे हो हैं? मैं नहीं दे सकता, बोली यहाँ पर तो द्वारका में बड़े बड़े भगत है, मेरे 16,108 पठरानियाँ हैं, उद्धव सातवी बड़े बड़े भक्त है, उनसे मांगो। जिसको पास में गए ना सब गाल ही सुने। बोले भगवान को चरण धूल देकर के नर्क जाने का रास्ता साफ कर रहे हो, वापस आ गया। बोले नारद जी धूल मिला? बोले प्रभु धूल क्या गाल ही मिला, बोले कोई नहीं दिए, बोले कोई नहीं। बोले तो वृंदावन गया था? बोले प्रभु तो बोले मैं वृंदावन नहीं गया, मैंने सोचा ग्वालिनिया तंडा बिंदने वाली दधि मंथन करने वाली इनको भक्ति भक्ति क्या पता। बोले नारद जी अगर असली कहीं भक्त मिलेगा ना वृंदावन में मिलेगी, वृंदावन एक बार जा करके देखो। वृंदावन में गए जब ब्रजवासियों को पता चला नारद जी द्वारका से आए सब एकत्र हो गए। बोले हमारे लाला कन्या कैसे है? कोई मेडिसिन नहीं दिया? बोले लेने ही आया। बोले क्या है? विग्रह अनादि आदि गोविंद है, जो गोविंद है ना जितने सारे देवा देवियों का मूल जो मूल है समस्त का कारण ही गोविंद थे। क्या इनको चरण धूलि देकर के नरक साथ नरक जाने का रास्ता तय नहीं बना रहे? देखो ये गोपियां क्या कहती। बोले नारद जी हम नरक जाने के डरते नहीं, अगर हमारी चरण धूल से गोविंद देव का खुश हो, गोविंद देव अगर खुश हो ना एक जन्म नहीं हम करोड़ों काल जाने के लिए नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोविंद देव का दुख नहीं दे सकते हैं। फिर नारद जी वही चरण धूलि लेकर के आए और द्वारका कोई गए होंगे तो वहां पर गोपी तालाब है, अभी भी वही कुंड है जहाँ पर चरण धूलि से स्नान कराया गया, और अभी वही सही जो तिलक लगाते हैं ना इसका नाम गोपी तालाब गोपी चंदन है, कुछ तो वहां पर डाल दिया। लेकिन और कुछ कहां पर लेकर गए? लेकर गए नवद्वीप धाम। मुझे नवद्वीप धाम नहीं ये ब्रजवासियों का चरण धूल को वहीं पर फेंक दिए, वहीं पर जो डाल दिया ना वही से नवद्वीप धाम हुआ जहां पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि जन्म ग्रहण किए। इसलिए भैया ये तिलक स्वयं हमारी तुम्हारी बात छोड़ दो, आप गोविंद देव को देखो यहाँ पर मदन मोहन को देखो तिलक लगाए, राधा रानी को देखो तिलक लगाए,
राम को देखो तिलक लगाए, हनुमान जी को देखो, कोई भी 33 करोड़ देवता में किसी को भी देख लो, बगैर तिलक के कोई नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान को शर्म नहीं लगता, लेकिन हमें शर्म लगती है। तिलक लगाए बोले बाबा, बड़े बाबा बन गए, साधु बन रहे हैं, बड़े लंबे तिलक लगाए। नहीं भैया, डरते काम के लिए तो शर्म करो, लेकिन भगवान की भजन के लिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, तिलक लगाया करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर श्लोक में बताए, यहाँ पर बताए बोले मद भक्त धारण नित्यम पुण्र भयावहम। जो व्यक्ति ये तिलक लगाते हैं उनको कोई भूत पिशाच डाकिन साकिन कोई भी उसको बने आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये तिलक को रक्षा मंत्र बताया, जैसे कर्ण का शरीर में कवच था, जब तक कवच रहेगा तो कुछ कोई नहीं मार सकते हैं। शरीर में जो तिलक धारण करते हैं ना भैया, उसको कोई नहीं मार सकते, उसको ऊपर में कोई चंडी ग्रह उल्टा पुल्टा कोई भूत कुछ भी उसको कुछ नहीं कर सकते। तिलक लगाकर कहीं जाओगे, आज वो प्रभु नहीं आए, आपको दिखा देता। एक समय में 3 बच्चे बाइक में जा रहे हैं, एक जो आया है गया अभी दर्शन के लिए, वो ना बड़े मोटा मोटा तिलक जैसे लगाया हुआ था, हठात किसी ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, जो वो चला रहा था यही व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, लेकिन 2 पीछे बैठे हुए थे, लेकिन तिलक नहीं लगाए थे। लेकिन जब एक्सीडेंट हुई ना, जो आगे बैठा हुआ था वो तिलक लगाया था, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पीछे 2 बैठे हुए जिसका ब्रेन हेमरेज का काम टूट करके पता नहीं कहाँ जा गई थी, मेरे कारण ने किया पर वो तिलक लगा रखा था। क्या लगा रखा था? ये तिलक नहीं, ये रक्षा मंत्र है। इसलिए जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं ना उनको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी प्रभु जी बता रहे थे कनाडा में वहां पर कहीं इस्कॉन का कोई भक्त था, तिलक लगाया था, और उनको साथ में और एक व्यक्ति था, दोनों को एक साथ में एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट हुई तो एक का शरीर छोड़ दिया और एक व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया, इसको कुछ नहीं हुआ, कैसे मरा? क्योंकि 12 अंगों में तिलक लगाया था। ये तिलक नहीं, देखो ये जो हम 12 शरीर में तिलक लगाए थे ना, ये जो तिलक है माँ जसोदा कृष्ण को मंत्र के द्वारा जो पुतना आ गई, मंत्र पढ़ करके कृष्ण को तिलक लगाए। ये जो तिलक है बोले ललाट के केशवाय नमः, ये भगवान केशव देव, ये केशव देव ललाट को रखा, उदर नारायण बख्य माधव कंठ ने गोविंद दक्षिण पार से विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामनाय श्रीधर ऋषिकेश दामोदर पद्मनाभ वासुदेव। ये 12 जगह पे भगवान के 12 नाम है, नियम है तिलक को रात में इसको स्थापन करनी चाहिए। मतलब ठाकुर जी हमारे संपूर्ण शरीर में भगवान का निवास। अभी हम कैलाश कथा करके आए, एक 3 साल की छोटी बच्ची थी, वो 4 मंजिल को रहते थे, वो बालकों से झांक रही थी, लेकिन उसकी माँ भी भक्ति करती है, तिलक लगाए थे, बच्चे को भी तिलक लगा कर रखी थी, लेकिन 4 मंजिल से झांकते हुए गिरा। अब बताओ 3 साल का बच्चा अगर 3 मंजिल से गिरेगा, 4 मंजिल से क्या बच्चा तो हो जाएगा ना, लेकिन उसको तिलक लगा रखे थे, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो बच्चे बच्चों को भी तैयार है, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए डॉक्टर के पास, में छत्तू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो छुट्टी भी नहीं हुआ, तिलक लगाए। इसलिए भैया तिलक को साधारण मत समझो, जैसे ठाकुर गोविंद देव क्यों तिलक लगाए, राधा रानी क्यों लगाती, अब ब्रह्मा जी को शंकर जी को देखो, हनुमान जी को देखो, लेकिन क्यों तिलक लगाए, ये तिलक को साधारण मत समझो। इसलिए पुराण में देखो और कुछ श्लोक है, बोले यज्ञ दानम तपम होमम स्वाध्याय प्रीति तर्पणम व्यर्थ भवति तत् सर्वम ऊर्ध्व पुण्र बिना तिलकम। बोले जो बिना तिलक लगाए हुए कहते क्या करते हैं, बोले यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, व्यर्थ भवति तत् सर्वम, उसका सब के सब बेकार हो जाता है। क्यों बिना तिलक लगाए करेंगे तो सब के सब? इसलिए देखना घर में ब्राह्मण आएगा तिलक लगाएंगे कुछ भी नहीं करेगा। जैसे आप लोग माता है कोई सधवा कुछ भी करो, सधवा स्त्री क्या करती है, शादी कहते स्नान को बाद में मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगल सूत्र पहनती है, नाक में बेसर चूड़िया पहनती कि नहीं, क्यों कहते पति को सामने नियम है बगैर सिंदूर मांग भरे हुए नहीं जानी चाहिए है, ये अमंगल मानी जाती है। इसलिए माताएं सबसे पहले स्नान करके ये सिंदूर किसके लिए लगा रहे, ये शरीर की पति के लिए, 2 दिन का पति भर 3 दिन में खत्म, उसके लिए इतने मांग भर दिया तुमने, सिंदूर भर दिया, लेकिन जो जगत पति पति का जो पति के लिए क्या तुम्हें दान दिया,
इसलिए कहते जैसे पत्नी पति को सामने नहीं जाती, शास्त्र ने बताया जैसे आप गोविंद देव के सामने आए, ये तो पति का पति है ना, तुम्हें वो माता च पिता तमे वगैरह इनको पास में आए। अगर तुम्हारी ललाट में तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं है, ठाकुर जी कहते तेरे से मेरे कोई संबंध नहीं, जगत का पति के लिए तो तुमने इतने मांग कर ली, लेकिन मेरे लिए तुमने क्या करके रखे। शास्त्र कहता है यदि अगर ठाकुर को सामने कहे जैसे तुम्हारी पति चिंता, पत्नी एकदम विधवा बन करके, पति है चिंता विधवा बन करके सफेद साड़ी और सारे श्रृंगार उतार करके पति को सामने विधवा रूप धारण करके चले जाए, बताओ पति तुम्हें स्वीकार करेगी? बोलेगा जिंदा रहते रहते तुमने बीमार कर मेरी को। और जब जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं कर, शास्त्र कह रहे हैं अगर गले में कंठी तिलक नहीं तुम ठाकुर के सामने गए, ठाकुर बोले कोई तेरे सामने कोई मतलब नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लगते या तुमने लगाया, जगत का शरीर काटे के सब का थली के लिए तुमने इतने मांग भरी कर रखी हो, लेकिन जो पति का पति मेरे लिए तुमने क्या धारण किया। इसलिए शास्त्र कहता है देखो कहते स्मशान सदृशम भवे, जिनके ललाट में तिलक नहीं कहते ललाट शमशान के बराबर है, कर्म संशय बिना तिलक लगाते दिए, जो अगर कोई काम करता इष्ट पूजा करते सबके सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भैया रोज तिलक लगा, ठीक है ना, तिलक ऐसे फोटा नहीं मेरे तरफ करे, तिलक इसको ऊर्धव मुद्र कहते, ऊर्धव मुद्र क्या बोले ऊर्धव नयती। आप कृष्ण को देखो, हनुमान को देखो, गणेश जी को देखो, तिलक कैसे खोटा नहीं, खोटा लगाएंगे तो घूमते रहोगे संसार में, पाया में घूमते रहोगे। इसलिए अगर ये उसका ऊर्धव मुद्र, ऊर्धव मतलब भगवान तक जो है ले जाए, इसलिए इसका नाम ऊर्धव मुद्र। देखो नींद ये ब्रह्मा है, इसका ये जो बीच में जो खाली है ना ये विष्णु है, और इधर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो लाइन है ये गोविंद देव का दो चरण है। उसको नीचे देखो जो जो चिन्ह है जैसे ठाकुर के चरण में जैसे तुलसी दल देते हैं ना, देखो इसका तुलसी बता दी, जैसे मारा ठाकुर के चरण में हमने तुलसी दल दिए, नियम तिलक कैसे लगानी चाहिए, ठीक है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अगर तिलक लगाया आए तो महाप्रभु उसको क्लास में बैठने नहीं दिया, वो क्लास से उनको निकाल दिया, ले जाओ तेरे तिलक लगा करके फिर अपना संध्या वंदना करके फिर क्लास में आओ, मतलब कहते जो तिलक नहीं लगा कर जाएंगे महाप्रभु उनको निकाल देंगे क्लास से। बोलो भैया तुम कभी बैठ सकते हो, तिलक गले में तुलसी की कंठी पहने करके आओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आज कौन कौन बच्चा है बोलना, राहुल है यहाँ पर, राहुल जी है यहाँ पर, आज आप जरा कंधे पर ये देख रहे चार चादर लगा रहे हैं, हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण वंदेहां श्रीगुरु श्रीयुत पदकमल श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगनारघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं। हरे कृष्ण, हम लोग यहाँ से अभी वृंदावन में ठाकुर जी का झूला पड़ेगा, क्या पड़ेगा झूला पड़ेगा, ये जो झूला महोत्सव है ना हमारे संप्रदाय में बहुत बड़ा अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी को अभी हरियाल की गई ना, इसलिए राधा रानी क्या करती है, राधा रानी गई सुन लो तो कहते राधा रानी अभी अपना ससुर घर में, अब देखना जब ससुर घर में लड़कियाँ होती है ना तो झूला में नहीं बैठती, बैठती कहाँ पर बैठती, पीहर में, पीहर में, क्योंकि
अपना मर्यादा को रक्षा करती हैं, इसलिए ससुर घर में नहीं पीहर में झूला झूठती हैं लड़कियाँ पीहर में। अभी श्रावणी के महीना आ गए, आने पर अभी राधा रानी के मन में इच्छा है कब मेरे भैया श्रीदाम भैया कब आए और मेरे को ले करके अपना पीहर ले जाए और मैं बरसाना जाऊँ और वहाँ पर एक गह्वर वन, बरसाना गए हो वहाँ पर देखना गह्वर वन बड़ा सुंदर हरियाली है। कहते वहीं पर जब राधा रानी आती हैं कृष्णा नंदगांव से वहाँ पर चले आते थे और वहीं पर सुंदर कदम का वृक्ष में सुंदर झूला बैठता था, कृष्ण गोविंद देव और राधा रानी वो झूला में बैठ करके झूलते थे। अभी राधा रानी सोच रही है मेरे भैया कब श्रीदाम भैया आए और मेरे को ले जाए और ले करके मैं कृष्ण को साथ में झूला कहाँ झूलूँगी पीहर में, ससुर घर में झूल नहीं सकते क्यों वो मर्यादा है ना, मर्यादा में रहना पड़ता है, वो अपना पीहर में ही लड़कियाँ झूला में झूलती हैं। कभी झूलेगी नहीं तुम लोग, झूले हो कौन कौन झूला झूले हो, झूले हो इसलिए अभी, लेकिन अभी समय बीतती जा रही है लेकिन अभी श्रीदाम भैया नहीं आ रही हैं। अभी राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठी, बोले श्रावण भैया बीतते जा रही हैं अभी तक भी भैया नहीं आए, श्रीदाम भैया अभी तक भी ले आए, मैं कब जाऊँगी कब जाऊँगी। जब कुछ दिन बाद में श्रीदाम भैया गए इतने में राधा रानी बड़ी दुखी होता थी, रोने लग जाती, भैया भैया तुमने आने के लिए इतना देर क्यों की, ये श्रावण महीना बीतती जा रही है, श्रावण महीना में तो झूला झूलते हैं। तो श्रीदाम भैया बोले देखो बहन विशेष कोई काम से मैं नहीं आ पाया। फिर उन्होंने राधा रानी को लेकर के बरसाना आती हैं, अब बरसाना में जो गह्वर बन हैं वो गह्वर बन में बड़े सुंदर सुंदर रिमझिम बारिश हो रही हैं, कोयले कूकती हैं, मयूर के कहा करती हैं, बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है हैं, और उसमें राधा कृष्ण बैठ करके बड़े सुंदर उसमें झूला झूलते हैं। झूला आप लोग झूले होंगे, दो तीन तरह का झूला होता है, आप देखना किसी झूला होता है दो झूले होते हैं, कभी कृष्ण एक झूला में और राधा रानी कभी एक झूला में बैठती है, और जब राधा रानी ऐसे जाती है ना झूला कृष्ण का झूला ऐसे आती है, कभी कभी देखे हो एक साथ में राधा जी का इधर और कृष्ण का झूला इधर राधा रानी का झूला इधर, जब ऐसे झूलती हैं झूलते समय बोले झूला का क्या विशेष महत्व है, बोले जो राधा जी की जो चरण है ना बड़ा दुर्लभ है, राधा जी चरण बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहती हैं बोले ब्रह्मे स्वराधिशु दुरूह पदार बिंद, राधा जी की चरण ब्रह्मा तक भी नहीं प्राप्त कर पाए, शंकर भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, नारद उद्धव बड़े बड़े देवता लोग भी जिनके चरण को पाने के लिए कठोर तपस्या करती है राधा रानी की, बोले यहाँ तक भी राधा जी के चरण कभी कृष्ण के लिए दुर्लभ है। और राधा रानी अगर कहीं मान कर लेती है ना, पता नहीं गोविंद देव मनाते मनाते थक जाते हैं, कहते हे राधे तू जब मान करती है ना मेरे को गिरिराज उठाने में जितना ताकत नहीं लगा हैं, मेरे को काली दमन करने में जितना ताकत नहीं लगी, मेरे को अघासुर बकासुर को मारने के लिए जितना ताकत नहीं लगती है, अगर तू मान कर लेती ना तेरे मान मनाने के लिए मेरे को बड़ा कष्ट होता है। पुरुष लोगों को पता होगा स्त्रियाँ मान कर ले तो बस रोटी पानी बंद हो जाती है ना, इसलिए कहते हैं भाई राधे तुमको मनाने के लिए मेरे को इतना कष्ट है, इसलिए कभी कभी राधा जी की चरण कभी कभी कृष्ण के लिए भी गोविंद देव के लिए भी राधा जी के चरण दुर्लभ हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एक पद लिखा हुआ है ना बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करें क्या जानते नहीं है हम श्री वृंदावन वासी, बोले राधा रानी की जय। इसलिए राधा जी की चरण जब राधा रानी जब ऐसे झूला में जाती है कृष्ण इधर से आती है, जब राधा रानी ऐसे जाती है राधा रानी का चरण ऊपर उठता, उठने पर उसी समय में कृष्ण चंद्र राधा जी को चरण के दर्शन करते हैं, नहीं तो राधा जी के चरण कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, गोविंद देव भी राधा जी के चरण को प्राप्त नहीं कर पाते, इतने श्री किशोर जी के चरण हैं ये। और दूसरा है जब झूला में बैठते हैं गोविंद देव राधा रानी, कृष्ण क्या करते हैं ना जानबूझकर झूला को बड़े तेजी से चलाते हैं, जब चलाते हैं इतने में राधा रानी डर जाती है, जब डर जाती है ना
इतने में राधा रानी डर के मारे क्या करते, गोविंद देव को पकड़ लेते हैं, गोविंद देव को पकड़ लेते हैं। ये जो सखियां हैं ललिता विशाखा चंपक लता, इनका क्या उद्देश्य किया है? कहते ना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर ललिता आदि सखिया। ये जब राधा कृष्ण को जुगल मिलन कराती हैं, इनका जीवन का यही उद्देश्य है जब इनका राधा कृष्ण के जुगल मिलन हो, राधा रानी मिलने पर इनके अंदर में अपने आप वो आनंद प्राप्त होता है। बोले स्पृश्यति यदि मुकुंदम राधिकाम तब सखीनाम, कृष्ण राधा रानी को तो आलिंगन करती हैं लेकिन इसको देख करके अपनी आप इनको देख करके राधा जी के ऊपर में इनका जितना प्रेम का जो चिन्ह है वो अपने आप सखियों के ऊपर में मंजरियों के ऊपर में अपने आप चिन्ह प्रतिफलित होता है। राधा कृष्ण तो मिलते हैं लेकिन जितना आनंद राधा कृष्ण को होता है उससे ज़्यादा आनंद सखियों को मिलता है, सखियों को मिलता है। इसलिए राधा कृष्ण अब राधा रानी कृष्ण को पूरा जो पकड़ लेते हैं, इनका मिलन देख करके सखियाँ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। आज राधा कृष्ण का मिलन दर्शन किया, इसलिए जो झूला है एक बहुत विशेष लीला, इसलिए वृंदावन में हमारे मंदिर में झूला पड़ेगा। और जो गोविंद देव को जिन्होंने प्रकाशित किया, इनका नाम क्या है? रूप गोस्वामी। वो जो द्वादशी का दिन उनका ही तिरुभाग, मतलब उन्होंने शरीर ही छोड़े थे, उसको उपलक्ष्य करते हुए बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, उन्होंने अथाह ग्रंथों को लिख कर गए और उसी ग्रंथ के ऊपर में इनके अवदान के ऊपर में बड़ी सुंदर सुंदर कथा होती हैं। इसलिए आप लोग को हम निमंत्रण दे रहे हैं, यहाँ से ये लोग बस लेकर के आएंगे, यहाँ से बस लेकर के आएंगे, आप लोग कोशिश करना जरूर आने के लिए, 2-3 दिन तक रुकना जैसे तुम्हारी सुविधा हो। हैं वह तो उत्सव 5 दिन ही है, 5 दिन नहीं 3 दिन 3.5 दिन ही है, आपका जैसे सुविधा आप लोग आओ और झूला दर्शन करो, वृंदावन परिक्रमा करो, मंदिर मंदिर दर्शन करो, इच्छा हो तो गिरिराज की परिक्रमा भी लगा लेना है और खूब आनंद लेकर के आना, ठीक है? कौन कौन आएगा हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा, कम से कम हाथ तो उठाओ। तब ठाकुर बोलते हैं ना, एक कदम बड़े में 10 कदम है ना, हाथ उठाओ सुनते सब, कम से कम क्या होगा, ठाकुर जब देखेंगे इनके अंदर में इच्छा है ना, जितना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे नाम हो रहे हैं, ये चीज को समझो। जब ठाकुर कहते एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, जब आपकी आने की इच्छा करेगा ना, तुम्हें ठाकुर जी हमारे घर का सारे काम कर लेंगे। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे जाएंगे तो हमारे ये काम कौन करेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चिंता मत करो। देखो इधर सुना, ध्यान करके सही घटना बताता हूँ। हमारे जो बड़े गुरु जी, हमारे जो भक्ति बता नारायण दोस्त महाराज, ये पुलिस में बड़े अफिसर थे, इनका जीवन तो पुलिस अफिसर थे, लेकिन इनके मन में कहीं अगर साधु आ जाते ना, संत आ जाते थे, वो जरूर कथा सुनने के लिए पहुंचते। जब कहीं आस पास में कोई संत आए वो सारे काम को छोड़ते जाते थे। एक समय इनका ड्यूटी थी, उनको पता चला कोई संत कथा करने के लिए आए, तब उन्होंने बिना बोले जानते कौन आएगा ड्यूटी में, कौन देखने के लिए आएगा, वो पहुंच गए सत्संग में। जब सत्संग में पहुंचने के लिए उसी दिन क्या हुआ, जो उनसे जो बड़ा ऑफिसर था वो देखने के लिए आया, कौन ड्यूटी करता कि नहीं करता वो देखने के लिए इंक्वायरी करने के लिए आया। लेकिन महाराज तो है ही, वो तो गए सत्संग में गए हुए, इतने में स्वयं गोविंद देव इनका रूप धारण किया था, भगवान कृष्ण स्वयं इनका रूप धारण किया था। वो बड़ा पुलिस ऑफिसर दूर से चेकिंग कर रहा था लेकिन देख रहा था, भगवान स्वयं उनका रूप धारण किए होते, देख रहे थे, जितने बढ़िया ड्यूटी दे रहे थे, एकदम सिंसियर, वहां भाग रहे एकदम बढ़िया। जो बड़ा पुलिस ऑफिसर था बोला, ये तो बड़े केयरफुल आदमी है, बड़े अच्छे तरह से काम धाम समझना है, इसलिए इसका जो पोस्ट है ना उसमें अच्छा पोस्ट दे रहा, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब गुरुदेव आए, वापस आए, इतने में तो उनका जो कोई दूसरा पुलिस का बोलते जो बड़ा ऑफिसर आए चेकिंग करने के लिए आए, गुरु जी तो डर गए, मैं तो भैया मैं तो था नहीं, मैं तो गया हुआ था सत्संग में, लगता है मेरी नौकरी चलिएगी। तब तो गुरुदेव आए दूसरे दिन बड़े पुलिस ऑफिसर के पास में, बोले देखो मैं कल किसी सत्तर लोग आए हुए थे, मैं सत्संग में चला गया था इसलिए मैं ड्यूटी नहीं कर पाया। बोले क्यों? मैंने कल देखा तो इतने बढ़िया ड्यूटी दे रहा था, इतने बढ़िया ड्यूटी कोई नहीं, इतने सिंसियर होकर के, मैं सोच रहा हूँ तेरा पोस्ट ना थोड़ी ऊंचा पोस्ट दे देता,
क्योंकि तुम इतने ईमानदारी में काम कर रहे हो, इतने ईमानदारी में, इसलिए मैं तुम्हारी पोस्टों को थोड़ा और ऊंचा पोस्ट कर दिया। गुरुजन तो सत्संग करने वाले तो समझ रहे, ये स्वयं गोविंद देव मेरे रूप धारण करते हुए मेरे पीछे ड्यूटी करने के लिए स्वयं गोविंद देव आए। इसलिए तब से गुरुदेव है ना, ये नौकरी को छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, बोले दुनिया की नौकरी नहीं करना, नौकरी करना तो गोविंद देव की नौकरी। ऐसे गुरुदेव भजन किए, ऐसे सारा विश्व में जितना नाम है, सारा विश्व में नाम उजला हो रहा है, ऐसे उनने प्रचार किए। भगवान इसलिए कहते भैया करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है, एक कदम बढ़ में 10 कदम बढ़ना। लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या है, तो अगर सिनेमा देखने को जाना हो, अगर 5 घंटा हो तो 2 घंटा का समय निकलता है, 3 घंटा निकाले, नहीं तो कहीं शादी ब्याह हो तो उसके लिए जाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई समय नहीं है, नहीं बेटा ठाकुर के लिए कोई समय हम नहीं निकालते, ठीक है ना। नियम क्या है, ठाकुर जी के लिए समय निकालो, वृंदावन में आओ, भगवान की आनंद लो। वहां पर आप देखोगे जो विदेशी लोग है ना, जो अमेरिका लंदन फ्रांस जो गुरु जी के शिष्य, उन लोगों ने तो अपना देश ही छोड़ दिए और वृंदावन में पास कर रहे हैं, और करके जो ना मंगला आरती में आते हैं, हरिनाम करते, कीर्तन करते हैं, सब छोड़ करके ब्रजवास कर रहे हैं। जब वो वृंदावन से जाते हैं ना हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य, उनका वीजा खत्म हो गया, रोते हैं भगवान हमें नरक में, अमेरिका में जन्म नहीं, हमें नरक में क्यों जन्म दिया। वो कहते हैं बोले क्यों, कहीं राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ भी नहीं, चारी तरफ का विषय विषय चर्चा, कोई भगवान की नाम ग्रहण नहीं, इसलिए भगवान हमें नरक में क्यों भेज दिया। अगली बार में हम जन्म जैसे वृंदावन धाम में हो, भारत में हो, है, इसलिए वो रोते हैं, ठीक है ना। इसलिए असभ्य सब कोशिश करना आने के लिए, और अगर यहाँ से जो भक्त लोग जाएंगे अपना नाम लिखवा देना, उनको पता चले कितने भक्त जाएंगे, ये लोग कैसे ही बस की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। बोलो हरे कृष्णा। हम 9 तारीख को सुबह निकलेंगे यहाँ से वृंदावन के लिए। 9 तारीख को? हाँ 8 तारीख को, 10 नहीं 9 तारीख को, फिर रात को, सुबह 9 तारीख को निकलेंगे, वो बस नहीं हो पाई शाम की, हम पहले 8 को रात को निकलना चाहते थे, तो 9 तारीख को सुबह निकलेंगे और 10 तारीख को शाम को वापिस आएंगे। और आप लोग मुझे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसका जो आपका चार्ज है वो है 1400 रुपये, ठीक है। हरे कृष्ण। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवेश्वर नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु दत्तपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोसाई कई चरण वंदा जहाँ हित विघ्न नाथ विश्व पुराण। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा। सभी हाथ उठा के जोर से पढ़ेंगे हरे कृष्ण। शीतल गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरु महाराज शील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन हो। तत्पश्चात शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी शील गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणव प्रणाम ज्ञापन हो। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, जो कि हमारे शिक्षा गुरु हैं और
पूज्य पाठ जी प्रभु जी के चरणों में मेरा आनंद को भी करना प्रणाम करना। इधर अब ये भी आए इधर आ जाए जीत प्रभु नवीन प्रभु सामने आ जाए पूज्य पाठ नवीन प्रभु जी के चरणों में मेरा आनंद को भी करना प्रणाम समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो हरे कृष्णा। अभी हम सुन रहे हैं चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत 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 के अंदर क्या होता है? भगवान और भक्तों की महिमा। भगवान और भक्तों की महिमा ही भागवत के अंदर वर्णित है। और भगवान और भक्त की जो महिमा है वही वास्तविकता में सर्व वेदों का सार भी है। तो आज हम यहाँ पर एक महाप्रभु के जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए जिनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके थोड़ा जीवन चरित्र के बारे में कथा सुनेंगे। हमारे जो षड गोस्वामी हुए, षड गोस्वामी जिन्होंने रूप गोस्वामी जिन्होंने राधा गोविंद देव जी को प्रकट किया, राधा मदन मोहन जी को किसने किया? सनातन गोस्वामी जी ने, है ना। और राधा रमन जी को किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। और हमारे जो राधा दामोदर जी हैं जयपुर में, उनको किसने किया? जीव गोस्वामी जी ने। और एक हमारे और गोस्वामी हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आज हम इनका चरित्र सुनेंगे। इनका जो जन्म हुआ वो कौन कहाँ पर हुआ? सप्तग्राम में। और घर की अवस्था कैसी थी? इंद्र समान जिनका ऐश्वर्य था, स्वर्ण मुद्राएं जिनके घर में धरी रहती थी हमेशा, ऐसा इनका ऐश्वर्य था। और जिनके पिताजी थे वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। जिस जगह पर वो रहते थे टैक्स कलेक्ट करके और राजा को दिया करते थे, उनका ये काम था। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे साधन के भी आचार्य हैं, जिन्होंने हमारे को साधन की शिक्षा दी, किस प्रकार से हमारे को एक व्यक्ति को साधन करना चाहिए, ब्रह्मचारी को और जो भी भक्ति करना चाहते हैं, ये महाप्रभु ने इनके द्वारा शिक्षा प्रदान की। वैराग्य किसे कहते हैं, ये इनके जीवन चरित्र के अंदर हमको देखने को मिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे उनका इंद्र के समान ऐश्वर्य था, इंद्र के समान। और उनकी उनका विवाह भी हुआ अप्सरा की जैसी उनकी सुंदर पत्नी थी। लेकिन ये कौन है? महाप्रभु के भक्त। तो महाप्रभु के भक्त हैं तो महाप्रभु के प्रति इनका अनुराग, भगवान की भक्ति में इनका अनुराग था, इसीलिए इनको केवल भगवान की भक्ति करना ही हमेशा अच्छा लगता था। तो ये शांतिपुर के अंदर हरिदास ठाकुर भी उस वक्त रहते थे। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो बड़े ही प्रिय थे किसके? हरिदास ठाकुर के। अब इन्होंने क्या किया, एक बार अपने ग्रह को त्याग करके और हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गए। वहां पर श्रीमन महाप्रभु भी उपस्थित थे। वहां पे महाप्रभु ने इस जगत को इनके माध्यम से एक शिक्षा दी। क्या बोले कि मरकट वैराग्य मत करो हे रघुनाथ, मरकट वैराग्य मत करो, अभी तुम वापस जाओ घर पर और क्या करो, बाहिर लोक व्यवहार और अंदर निष्ठा। क्या करो? मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति बाहर से वैष्णव बनने की दिखाता है और अंदर जिसके क्या है, वास्तविकता में भोग वासनाएं भरी हुई, वही वास्तविकता में मरकट वैराग्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये तो महाप्रभु के इतने बड़े भक्त थे तो इनको ये उपदेश क्यों दे रहे हैं महाप्रभु कि मरकट वैराग्य मत करो? क्या इनके अंदर भोग वासनाएं थी? बोला कि नहीं, इनका ऐश्वर्य किस प्रकार था? इंद्र के समान और अप्सरा के समान इनकी पत्नी थी। लेकिन इनको अपने ना धन से लेना देना था और ना ही सुंदर पत्नी के प्रति ये ज्यादा आकर्षित थे। कैसे थे? हमेशा क्या करते थे? भगवान का भजन कीर्तन करते थे और घर पर रहकर भी केवल भगवान का भजन करना। तो ये वहां से वापस से घर पे लौटे और इन्होंने क्या किया, जो महाप्रभु ने इनको शिक्षा दी कि क्या करो, हे रघुनाथ, बाहरी लोक व्यवहार अंतरे निष्ठा, यानी बाहर से तो क्या करो, संसार के साथ उनकी नॉर्मल जिस प्रकार से चर्चा होती है, जो कर्म कांड वगैरह उनकी बातें होती है वो थोड़ा बहुत करते रहो, लेकिन हृदय के अंदर क्या रखो, भगवान के चरणों में अनुराग रखो, भगवान की भक्ति के प्रति निष्ठा रखो। अब एक दिन क्या हुआ, जो इनके पिताजी थे, देखो दो वस्तु होती है,
दो प्रकार के वैष्णव भक्त लोग होते हैं और सामान्य लोग होते हैं। एक होते हैं विषय प्राय, एक होते हैं वैष्णव प्राय। विषय प्राय कौन होते हैं? जो कि बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं कि हम क्या है, नॉर्मली लोगों के साथ रहते हैं, लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर हृदय के अंदर क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और वैष्णव प्राय कौन होते हैं? जो बाहर से दिखाएंगे भाई हम बहुत बड़े वैष्णव, लेकिन अंदर से कैसे, परम भोगी। तो विषय प्राय के उदाहरण ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, और इनके पिताजी किसके उदाहरण थे? वैष्णव प्राय के, क्योंकि उनके हृदय के अंदर क्या थी, पूर्ण रूप से भोग वासना है। एक बार क्या हुआ, ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे इनके पिताजी, तो लाखों में टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जो टैक्स कलेक्ट करते थे तो राजा और इनके बीच में जो बीच के जो चौधरी जी होते ना, वो चौधरी जी जो थे, इन्होंने उनका हिस्सा भी अपने पास ही रख लिया और उनको ठग लिया। अब चौधरी जी बड़े गुस्से में आ गए और ये जो इनके पिताजी और ताऊ जी थे दोनों वहां से भाग गए। चौधरी जी ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, अब इनके पिताजी की वजह से। तो जब जेल में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को डाल दिया, कुछ समय वहां पर रहे, चौधरी इनको रोज मारने की कोशिश करने के लिए वहां पर उपस्थित होता, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता कि उसका दिमाग ही चेंज हो जाता और इनको मार ही नहीं पाता। फिर एक दिन इन्होंने सोचा कि भैया यहाँ से निकलने का जल्दी से जल्दी उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को क्या लगता है, मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा। तो उनको हमेशा जेल में रहने के बाद यही चिंता सताती थी, इसीलिए फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, जैसे चौधरी आया, तो इस जगत के अंदर देखना, अगर आपको किसी से थोड़ा सा अपना काम कराना है अच्छे से, तो क्या करते हैं हम, उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा। ये बहुत बड़ा हथियार है ना, प्रशंसा करते हैं और उसको क्या करते हैं, वो हमारा काम उससे निकलवा देते हैं। उसी प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या की, उस चौधरी की थोड़ी प्रशंसा की, वो इनसे प्रसन्न हो गया और कैसे ना कैसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी उस जेल से बाहर निकल गए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया, चौधरी जी का और उनके पिताजी का भी सुलह करा के और उस केस को निपटा दिया। अब थोड़े ही समय हुआ था कि रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से घर से भागने लगे भजन करने के लिए। बार बार भाग जाते, बार बार इनके पिताजी पकड़ के ले आते, फिर भाग जाते, फिर पिताजी पकड़ के ले आते। फिर इनकी माताजी ने एक बार पिताजी से बोला, देखो इसको क्या करो, एक जगह पर कमरे में बंद करके रस्सी से बांध दो ताकि ये भाग ही ना पाए। तो फिर पिताजी ने क्या उत्तर दिया कि अरे भैया, जिसको इंद्र समान ऐश्वर्य नहीं रोक पाया, जिसको अप्सरा के समान पत्नी नहीं रोक पाई, तुम्हारी मामूली सी रस्सी क्या उसे रोक पाएगी, रोक पाएगी? जिसके मन में अगर भगवान का भजन का दृढ़ निश्चय हो जाए, प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया था, कितना हिरण्यकश्यपु ने उनको अपोज करने के लिए कोशिश करी कि किसी ना किसी करके ये विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन क्या छोड़ी, नहीं छोड़ी। हरिदास ठाकुर ने एग्जाम्पल हमने कल देखा था किस प्रकार से वैश्या उनके पास आई ताकि वो कैसे ना कैसे करके वो भजन को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वैश्या को ही भक्त बना दिया। तो ये भक्तों की महिमा है, इसीलिए बार बार वो क्या करते, बार बार घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब फिर एक दिन क्या हुआ, वो चले गए घर से। जब उनके पिताजी ने बोला कि भैया इसको हम नहीं रोक सकते, इसके प्रारंभ में अगर भगवान की भक्ति करना ही लिखा है तो ये वास्तविकता में भगवान की भक्ति ही करेगा, तब वो चले गए। अब उनके कुल गुरु थे रघुनंदन आचार्य जी, उनके जो ब्राह्मण थे पूजा अर्चना करने वाले, वो एक बार चले गए कहीं पर भक्त और आए नहीं लौटकर। तो फिर उन्होंने इनको आदेश दिया, हे रघुनाथ तुम क्या करो उस ब्राह्मण को कहीं से ले आओ। तो फिर ये ब्राह्मण को लेने चले गए। जब ब्राह्मण को ये लेने चले गए तो ब्राह्मण को लाकर और फिर ये वहीं से जगन्नाथपुरी के लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़े। और जंगल से कैसे गए, पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी चले गए। रोज 45 किलोमीटर की यात्रा करते पैदल, रोज 45 किलोमीटर, और 12-13 दिन में जाकर ये कहाँ पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे। अब देखो भगवान की भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कैसा ऐश्वर्य था, इंद्र की तरह ऐश्वर्य था ना,
पत्नी भी कैसी थी, अप्सरा के समान, सबको छोड़ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे बाहरी लोक रूप से, अरे देखो भगवान की भक्ति करते ही इसका कैसा अकल्याण हुआ, इतना पैसा था, सुंदर पत्नी थी, सब छूट गई, और ये क्या कर रहा, देखो पैदल पैदल कांटों के रास्ते जाते हुए जंगल से कहाँ जा रहा है, जगन्नाथ पुरी जा रहा है, कैसी अवस्था हो गई। तो यहाँ पर एक शिक्षा है, क्या शिक्षा है, देखो जब भगवान की भक्ति हम करते हैं तो हमारे ऊपर जब थोड़े कष्ट आ जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भगवान की भक्ति को छोड़ ही देते हैं, छोड़ देते हैं, भैया क्यों करूं भगवान की भक्ति करने से इतने कष्ट, थोड़े कष्ट आ गए मेरे पास। लेकिन एक बार बताओ कि बिना भगवान की भक्ति के कष्ट नहीं आते आप लोगों को, आते हैं ना, तो ये कष्ट वास्तविकता में क्यों आते हैं, क्योंकि आप ही के कुछ कर्म हैं जो आपने पूर्व जन्म में किए और उनका आपको फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि भक्त के जीवन में ये कष्ट थोड़ा जल्दी जल्दी आए, क्यों जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसके जल्द से जल्द सारे प्रारब्ध कट जाए, बुरे कर्म कट जाए जो इसने किए, और ये कैसे हो जाए, पाप मुक्त होके मेरी शरण के अंदर नित्य युक्त हो जाए। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को कभी कभी थोड़ा कष्ट भी दे देते हैं उसी के प्रारब्ध के कारण। तो यहाँ पर जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल के रास्ते जगन्नाथ पुरी जा रहे हैं, तो अब भाई 45 किलोमीटर रोड चल रहे हैं, 12 दिन तक पैदल पैदल चलना है, उस रास्ते में तो खाना पीना हो गई ना कि नहीं होगा, आप जा सकते हो 45 किलोमीटर रोड, नहीं जा सकते, यहाँ से गोपीनाथ जी जाने में हालत खराब हो जाती है आपको। लेकिन ये पैदल पैदल 45 किलोमीटर तक यात्रा करने रोड, और क्या पाया, केवल 2-3 दिन कभी दूध छाछ पान करी, और अन्न तो बिल्कुल ना के बराबर, और 12 दिनों बाद कहाँ पर पहुंचे, जगन्नाथ पुरी धाम में। जगन्नाथ पुरी धाम में जब पहुंचे तो महाप्रभु से मिलन हुआ, महाप्रभु से जब मिलन हुआ तो महाप्रभु ने देखा, अरे रघुनाथ तुम इतने कमजोर कैसे हो गए, तो उनको महाप्रभु को पता चला कि अरे पैदल पैदल जगन्नाथ पुरी मुझसे मिलने के लिए केवल आया है। देखो ये भक्त का प्रेम है और ये भजन की शिक्षा है कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए पैदल पैदल रोज 45 किलोमीटर, 45 × 12 का लोग कितने किलोमीटर चले होंगे पैदल पैदल, चल सकते हैं, नहीं चल सकते। पहले के लोग वृंदावन तक आ जाते थे बंगाल से पैदल पैदल चलते। तो यहाँ से रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ पुरी तक पैदल पैदल जंगल के रास्ते कांटों के रास्ते चलते हुए गए, महाप्रभु से मिलन हुआ, बड़े ही कमजोर। अब उस वक्त गोविंद जी जो थे वो महाप्रभु के सेवक थे, रसोई बनाया करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने बोला, हे गोविंद, ये रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ जो है पैदल यात्रा करते हुए जगन्नाथ पुरी मुझसे मिलने आया है, बड़ा ही कमजोर हो गया है, तुम इनकी प्रसाद की व्यवस्था करो और इनको प्रसाद पाने की व्यवस्था करो। तब उन्होंने क्या किया, गोविंद जो थे उन्होंने क्या किया कि जो महाप्रभु को प्रसाद देते थे गोविंद बनाकर, वो महाप्रभु पाते थे, और जो उच्चिष्ट रह जाता था वो किसको दे देते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। यानी साक्षात भगवान पा रहे हैं और वही रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखना भक्त की भावना कैसी थी, किस प्रकार से भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्तों को कष्ट देके, जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके द्वारा इस जगत के अंदर हमारे को शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो जगन्नाथ पुरी के अंदर प्रसाद पाते, 5 दिन तक तो इन्होंने प्रसाद पाया महाप्रभु का उद्देश्य, लेकिन 5वें दिन इन्होंने क्या सोचा कि देखो मैं जो प्रसाद पाता हूँ महाप्रभु का उद्देश्य, हो सकता है कि महाप्रभु क्या करते हैं मैं ज्यादा पाऊं इसलिए थोड़ा सा पाकर ही छोड़ देते हैं, और मेरे कारण महाप्रभु हो सकते भूखे रह जाते हैं, इसलिए मैं अब ये आज से उचिष्ट नहीं पाऊंगा, उचिष्ट पाना बंद कर दिया, वो भी पाना बंद कर दिया। उसके बाद चले गए वहां से, कहां चले गए, महाप्रभु ने प्रश्न किया गोविंद से, हे गोविंद, रोज रघुनाथ आता था प्रसाद पाता था, अब वो कहां है इस वक्त। तो उन्होंने बोला, हे महाप्रभु, वो जाकर जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसका एक सिंह द्वार है, वहां पे भिक्षा करते हैं और प्रसाद पाते हैं। जो भिक्षा मिल गई, जहां पे भिखारियों की लाइन लगती है उस लाइन में लगकर भीख मांगकर भिक्षा करके प्रसाद पाते हैं। अब महाप्रभु ये सुन के बताओ प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे, दुखी होंगे ना,
दुखी भी है लेकिन यहाँ पर परम संतुष्ट भी हुए महाप्रभु। महाप्रभु क्यों परम संतुष्ट हुए यहाँ पर बताइए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं इससे परम संतुष्ट हूं। क्यों परम संतुष्ट हूं? क्योंकि देखो किस प्रकार से ये रघुनाथ इस जगत को वैराग्य की शिक्षा दे रहा है, किस प्रकार से इनका वैराग्य है कि इतना सुंदर जो प्रसाद मिलता था उसे भी छोड़कर क्या पा रहे हैं, जगन्नाथ पुरी में जाकर भिक्षा करकर जो चावल वगैरह वहां के प्रसाद मिलता था वो पा रहे हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु बड़े ही संतुष्ट हुए और फिर महाप्रभु ने यहाँ पर कुछ शिक्षाएं प्रदान भी करी। इसमें हमारे कुछ बंगला प्यार आते हैं, उसमें बोलते हैं जब महाप्रभु ने ये बात सुनी कि रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर जाके भिक्षा मांग के पा रहे हैं, तो बोल रहे हैं सुनी तुष्ट हैया प्रभु कहित लगिला भाल कैला वैराग्य रे धर्म आचरिला। बोल रहे हैं इस बात को सुनकर महाप्रभु संतुष्ट हुए और बोलने लगे कि भाल कैला बहुत अच्छा किया रघुनाथ ने और इस जगत के अंदर क्या कर रहे हैं, वो वैराग्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैराग्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो महाप्रभु के भक्त हैं उनके लिए बोला जाता है महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान। क्या बोल रहे हैं कि जो महाप्रभु हैं श्रीमन महाप्रभु ना, उनके जो भक्त गण हैं उनके अंदर ये वैराग्य ही प्रधान है। सुशीला सनातन गोस्वामी जी जो है हमारे, उनके जो मंत्र है उनका प्रणाम मंत्र, उसमें क्या बोलते हैं वैराग्य युग भक्ति रसम। बोल रहे कि वैराग्य युग भक्ति रसम, जिन्होंने हमारे को वैराग्य युग भक्ति दी। महाप्रभु की जो भक्ति है वो कैसी है, जिसके अंदर वैराग्य युक्त हो, जिसमें वैराग्य हो। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है इन्होंने इस वैराग्य की परम शिक्षा हम जैसे लोगों को प्रदान करी। आगे वहां पर बोलते हैं वैरागी करीब सदा नाम संकीर्तन मागिया खाया कर जीवन रक्षण। बोल रहे कि वैरागी का कर्तव्य क्या है, वैरागी का कर्तव्य वास्तविक में है कि हमेशा भगवान के नाम के अंदर क्या रहे, रत रहे। भगवान के भक्तों का क्या है एकमात्र लक्ष्य कि वो हमेशा भगवान के भक्तों के अंदर, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसमें ही डूबे रहे और जो मिल जाए वो प्रसाद पा ले। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अंदर ये भी बोला जाता है कि उन्होंने सिंह द्वार पर भी प्रसाद पाना बंद कर दिया था बाद में, और फिर बाद में जो वहां पर जो प्रसाद फेंक देते हैं ना, जो बच जाता है, बच जाने के बाद उसको नाली से उठाकर धोकर और जो साफ करके जो कुछ चावल उसमें से निकलते थे वो पाकर जीवन व्यापन करने लगे। महाप्रभु इस बात को सुनकर इतना क्रंदन किए और बोले, और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आकर उनको आलिंगन करके बोले हे रघुनाथ अकेले अकेले अमृत पा रहे हो, अकेले अकेले अमृत। देखो हम भगवान को क्या क्या द्रव्य लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं भगवान को, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या भगवान हमारे के पास आकर ये बोलते हैं अरे आज तो तुमने मुझे अमृत पान करा दिया, नहीं ना। शबरी ने क्या पवाया था भगवान को, झूठे पे। सुदामा ने क्या दिए थे, चावल, वो भी कौन से, बिल्कुल कणकी जैसे, जिसको हम आम भी खाना पसंद ना करें। और भगवान ने क्या दे दिया उनको, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। यहाँ पर इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, जो चावल नाली से बहकर आ रहे हैं उनको साफ कर कर और पा रहे हैं, और महाप्रभु क्रंदन करते हुए उनको बोल रहे हैं हे रघुनाथ क्या अकेले अकेले अमृत पान करोगे, थोड़ा मुझे भी कहो। वही चावल महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनके हाथ से लेकर पा रहे हैं। देखो भक्त की महिमा, ताली दो बजा दो, एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर जो हमारे महाप्रभु हैं उन्होंने उनको थोड़ी सी और शिक्षा दी, बस 5 मिनट में वो बता के अपनी वाणी को विश्राम दे। क्या बोले, सबसे पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इतना समय हो गया जगन्नाथपुरी में आए हुए, अब जगन्नाथपुरी आए महाप्रभु ने उनको बुलाया तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा आगे क्या काम है। तो फिर जो महाप्रभु थे उन्होंने क्या किया था, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर जी को सौंप दिया, इसीलिए उनका एक नाम हुआ स्वरूप, स्वरूप
तेरह रघु स्वरूप के रघु, यानी स्वरूप दामोदर को जिनको मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सौंप दिया था। अब वो ही उनके सारा देखने वाले थे। अब जब महाप्रभु थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वरूप दामोदर के पास आकर एक प्रश्न किया कि अरे हे स्वरूप दामोदर, आप जाकर महाप्रभु से क्या पूछेंगे कि उन्होंने मेरा घर क्यों छुड़वाया है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मेरा क्या वास्तविकता में कर्तव्य है। जब वो महाप्रभु के पास गए स्वरूप दामोदर, तो उन्होंने ये बात महाप्रभु को बताई। अब महाप्रभु ने एक बात बताई यहाँ पर, बहुत अच्छी शिक्षा। क्या शिक्षा दी कि देखो हे रघुनाथ, हे स्वरूप दामोदर, हे रघुनाथ, मैंने तुम्हारे को किसको सौंप दिया, स्वरूप दामोदर जी को। अब तुम्हारे जो उपदेष्टा हैं वो कौन है वास्तविकता में, स्वरूप दामोदर ही है। और ये जितना जानते हैं मैं भी उतना नहीं जानता। बताओ भगवान कैसे अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित कर रहे हो, ताली बजाने में कहते हैं जैसे भगवान की भक्त की महिमा होती है ताली बजाने से। तो किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त की महिमा को यहाँ पे भी प्रकाशित कर रहे हैं कि मेरे से भी अधिक कौन जानता है, ये स्वरूप दामोदर जी जानते हैं। क्योंकि स्वरूप दामोदर जी कौन है, ललिता सखी है जो राधा कृष्ण के मिलन कराती है, इसीलिए वहां पे भक्त की महिमा पड़ेगी। अब यहाँ पर एक शिक्षा हम लोगों के लिए लेने के लिए क्या है, देखो हमारे दीक्षा गुरु जो होते हैं वो हमारे को किसी शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रहने के लिए बोलते हैं कि आप क्या करो, इनके आश्रय में रहो। क्योंकि दीक्षा गुरु जी का संग हमें हमेशा प्राप्त नहीं हो पाता, जैसे हमारे गुरु जी हैं हमेशा प्रचार में व्यस्त रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखभाल कौन कर रहे हैं अभी, जिन्होंने हमको सब कुछ सिखाया जो हम कुछ बोल पा रहे हैं आज, सुंदर गोपाल गुरु जी की जय हो। तो हमारे शिक्षा गुरु जी कौन है यहाँ पर, सुंदर गोपाल गुरु जी। और फिर प्रभु जी ने हमको और शिक्षा गुरु से मिलाया, माधव प्रिय प्रभु जी की जय। फिर प्रभु जी ने लॉकडाउन में हमारे को परमेश्वरी प्रभु जी के पास भेजा, बोलो परमेश्वरी प्रभु जी की जय। तो देखिए इस प्रकार से दीक्षा गुरु जी जिस पर हम चित्त को हमें सौंप दें, हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं की शिक्षाओं को ग्रहण करके जीवन व्यापन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा साध्य सिद्धि कुछ भी होने वाली नहीं है, साक्षात गुरु अवज्ञा है। अब आगे महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। क्या शिक्षा दे रहे हैं, ग्राम में कथा ना बोली वे, ग्राम में कथा ना सुनी वे, भालो ना खाए वे, भालो ना पेली वे। बोल रहे हैं हे रघुनाथ, देखो अगर तुम्हारे को भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है, हमारे को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता में सुना, उसी प्रकार से यहाँ शिक्षा दे रहे भजन करने वालों को कि भैया ग्राम में कथा ना बोली वे। ग्राम में कथा का मतलब यानी संसार की ज्यादा चर्चा ना करना, संसार की बातों में ज्यादा मत होना अगर भजन करना है तो। ग्राम में कथा ना बोली वे, ग्राम में कथा ना सुनी वे, और ग्राम में कथा ज्यादा मत सुनना। ग्राम में कथा का मतलब ब्रह्म भगवान और भगवान और भक्त हम क्या है, एक हैं, जीव और ब्रह्म एक हैं, उसमें जाके मिल जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी नारायण तुम भी नारायण जगत भी नारायण, है ना। ऐसी शिक्षा को ग्रहण मत करना गलती से भी, इसीलिए यहाँ बोला। फिर बोले भालो ना पैरी वे, भालो ना खाई वे, एक बैरागी के लिए क्या बोला, भालो ना पैरी वे, ज्यादा अच्छा मत रहना, ज्यादा अच्छा खाने की लालसा मत करना। ये भगवान महाप्रभु ने क्या करी, शिक्षा प्रदान दी। और फिर जो हमारे गौड़ीय मठ का सबसे ऊंचा आदर्श है वो शिक्षा दी, क्या दी, त्रिणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णु ना, मानी न मान देन कीर्तन में सदा भजन। यहाँ पे बोल रहे कि सदा सदा दूसरों को मान देना सदा। कल गुरु जी ने कथा सुनी थी आपको कि कश्मीरी का क्या नाम था, केशव कश्मीरी जी की जो वार्ता सुनाई थी, उसमें क्या किया था महाप्रभु ने, स्वयं भगवान और ब्रह्मांड जिससे परास्त हो गए विद्या के अंदर, वो कौन, केशव, है ना, उनको हरा कर 16-17 साल की आयु में, लेकिन उनका अपमान नहीं किया, बोला कोई बात नहीं आप कल आइएगा, कल हम फिर से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से क्या करा, उनको जाने दिया और फिर सम्मान दिया, और कभी खुद का सम्मान की चिंता ना करना, ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, देखो भगवान
भगवान यहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा हमारे को दे रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा किसके माध्यम से देंगे? क्या भगवान स्वयं आएंगे हमारे पास? संतों के माध्यम से देंगे। संतों के माध्यम से ही भगवान हमको शिक्षा देंगे। आज से आप कितने दिनों से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा माधव जी, विनोदी लाल जी जा रहे हैं, कभी उन्होंने आपसे कुछ बोला? कभी नहीं बोला। गुरु जी बता रहे थे ना, दारू पीने वाले दारू पी रहे हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पी रहे हैं, है ना, और जो लसन प्याज खाने वाले वो लसन प्याज खा रहे हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे यहाँ पर आकर आपको क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। देखो कितने जनों का जीवन परिवर्तन कर दिया, है ना। ये देखो माता जी, ये जतीन प्रभु है हमारे, उनकी माता जी है, इनका पूरा परिवार भर, है ना। और ये हमारे गौरव जी हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। गौरव जी जिन्होंने हमारे है ना, देखो कितने लोगों का, खुद के जैसा ही आपको भी बना देंगे। तो गौरव जी जो है उन्होंने क्या किया, दूसरों के कल्याण के लिए यहाँ पर चैतन्य भागवत का आयोजन किया। ताली बजा दो एक बार और। तो इसी प्रकार से देखो भगवान हमारे पास कभी भी बात करने नहीं आने वाले। अब गोविंद देव जी का मंदिर जब तक था लेकिन जब ये मठ बना, मंदिर बना, यहाँ पर आपको कितनी सारी शिक्षाएं मिली, मिली के नहीं मिली? किसके माध्यम से मिली? भगवान के माध्यम से। यहाँ भी राधा मदन मोहन जी है, यहाँ भी मदन मोहन जी कुछ बोल रही है, तो कौन बोल रहे हैं? कथा कौन कर रहे हैं? संत है। और ये जो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है, देखो कितने लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं, कितने लोग, 3-4 घंटे हो गए, वहां से हजारों लोग चले गए, लेकिन और करोड़ों लोग जयपुर सिटी में है, लेकिन देखो कुछ लोग नोएडा से यहाँ पर कथा सुनने आए, जैसे हमारे देखो समीर प्रभु हो गए, यश प्रभु हो गए, गुरु जी की कृपा से, और लेकिन जयपुर के लोग ही यहाँ नहीं आ पा रहे। तो इसीलिए हर किसी के बस की बात नहीं है हरी कथा के अंदर बैठना। तो इसीलिए एक बार आप जोर से जयकार दीजिएगा, ठीक है। बोले श्री गुरु महाराज की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, महाप्रभु की, गौर में मनन देंगे। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओगे, जो पीछे आए हैं ना वो बैठ गए, अब थोड़ी थोड़ी आगे तो मध्यान के मेरा दस्त यार मैं चला गया। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्पर्श में कोटि कोटि प्रत्यार्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के जन्मकमलों में कोटि कोटि ज्ञापन करते हुए उपस्थित समस्त कर्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव जनों मेरा कोटि कोटि ज्ञापन किया। आज हमारा सौभाग्य जयपुर में श्री गोविंद देव जी के सन्निकट श्री राधा मोहन मंदिर में हम लोग सुंदर चैतन्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कथा जो सुनने में बड़ी ही अमृत बोल देती है प्राणों में, उसके समझने और समझाने के लिए एक सुनिपुण वैष्णव गुरु, जो शुभ गुरु परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु की धारा में ही हो, और शुद्ध भक्ति को किस प्रकार से अपने हृदय से साधक या नए भक्तों के हृदय में संचारित कर सकते हैं, जो शक्ति है वह शुद्ध भक्त के हृदय में होती है। तो ऐसे ही हमारी शुद्ध गुरु परंपरा है, ऐसे ही पूज्यपाद भक्ति विदा शुद्ध गोस्वामी महाराज जी है, जो बताई हो। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, राधा कृष्ण युगल मिलत एक रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र देख रहे हैं कि राधा रानी मुझसे
इतना उत्कृष्ट प्रेम कैसे करती हैं। मैं भी राधा रानी से उतना ही प्रेम करता हूं, तो भी राधा का जो प्रेम भाव है वह मुझसे अत्यंत कोटी ज्यादा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास ही बैठे हैं, उनको अंक में लेकर के प्रेम सरोवर के पास निकुंज में बैठे हैं और उनको गोद में लिटाया हुआ है। कृष्ण की सुंदर मुखारविंद को देख करके उनको योग निद्रा लगी है, आंखें बंद है राधा रानी की और कृष्ण भगवान उनके मुखारविंद को निहार रहे हैं। अचानक एक घोड़ा आया और घोड़े ने आकर के राधा रानी के चरण कमलों में स्पर्श करके प्रणाम करना चाहा, तो कृष्ण ने पास ही जो उनका साथी मधुमंगल खड़ा था लठिया लेके, उसको इशारों से इंगित किया, देखो ये घोड़ा राधा रानी की नींद भंग करेगा, तुम इसको दूर कर दो। मधुमंगल लाठी लेकर के उस घोड़े को डराता धमकाता चुपचाप से बाहर निकुंज से बाहर ले गया और जब वह वापस पुनः आया तो उसने कहा, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया। इतना सुनना था राधा रानी के कर्ण में जैसे ही प्रवेश हुआ कि मधुसूदन चला गया। एकदम जो कृष्ण की गोद में लेटी हुई राधा रानी अकस्मात खड़ी हुई है और हटात है मधुसूदन चले गए और हटात नीचे गिरी है और मूर्छा को प्राप्त हुई। इस भाव को देख करके कृष्ण ने सोचा कि ये कैसा प्रेम, मैं ऐसा प्रेम कब अनुभव कर पाऊंगा कि मैं सम्मुख होते हुए भी राधा रानी बस इतना सुन लेती है कि कृष्ण चले गए मधुसूदन चले गए तो वो मेरे भाव में चली जाती है। इसको जानने के लिए ही उन्होंने जब इच्छा की कि राधा रानी का वो कैसा प्रेम है, मेरी मधुरिमा कैसी है जो मुझको देख करके इतना आकर्षित हो जाती हैं, मेरे विरह में पागल सी हो जाती हैं। सारी गोपियां तो हैं, उनका प्रेम तो बहुत उज्जवल है ही, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है वो महान उज्जवल है, वो सुमेरु पर्वत के तुल्य है। समस्त गोपियों का जो प्रेम है यदि उन सबको एकत्रित किया जाए तो मात्र सरसों के दाने के समान है और उनका राधा रानी का जो प्रेम है वह सुमेरु पर्वत की तरह। मेरी मधुरिमा कैसी है जिसको राधा रानी हमेशा आस्वादन करती है और उनको कैसा सुख मिलता है जिससे वो अनंत कोटि भावों में, जिसे महाभाव कहा जाता है, माधनाख्य भाव कहा जाता है, उसमें आलोकित पल्लवित होकर के आस्वादन किया करती है, इस प्रकार का मुझे भी अनुभव हो। जिस प्रकार से रसगुल्ले का स्वाद जीवा चक्कर के बता सकती है, रसगुल्ला स्वयं नहीं बता सकता, ठीक इसी प्रकार से कृष्ण के अंदर जो रस है उसका स्वादन आस्वादन भक्त किया करते हैं, भगवान नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से जो मानतम आश्रम विग्रह श्रीमती राधा रानी उसका आस्वादन कर सकती हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र नहीं कर सकते। इस हेतु ही उन्होंने सोचा कि कुछ इतना तो महाभाव, इतना तो प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका कुछ कुछ अनुभूति, कुछ कुछ अनुभव मुझे हो, ऐसा इच्छा प्रकट करके ही चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने यहाँ अवतार ग्रहण किया है। जब वो उन्होंने आज्ञा ली है, हे राधा रानी मैं जाकर के भक्त स्वरूप में अपना ही जो है भजन करूंगा और आपके भावों का आस्वादन करूंगा, कृपा करके मुझ पर कृपा कीजिए, तो राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारे पूरे अंग, तुम्हारा जो वेश है सुकोमल है, इतना कोमल है कि तुम्हारे चरण कमलों को हम अपने वक्ष स्थल पर रखती हुई कांपती है, डरती है, घबराती है कहीं आपके चरण कमलों में किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट ना हो जाए। और तुम जब स्वयं के भगवान श्री कृष्णचंद्र के विरह में जब
धड़ाम से गिरोगे और इस प्रकार से विरह का जरा सा भी कष्ट तुम्हें अनुभव होगा तो तुम्हें मूर्छा होगी और तुम्हें शरीर का पता ना होगा और एकदम खड़े खड़े जब गिरोगे तो ये शरीर तुम्हारा महानतम सुकोमल है, इसमें तुम पीड़ा को नहीं ग्रहण कर सकते और तुरंत आस्वादन तो बहुत दूर की बात है, तुरंत धराधाम को छोड़ करके पुनः गोकुल को आ जाओगे। इस हेतु एक काम करो, तुम्हें मैं अंगीकार कर लेती हूँ, अपना जो शरीर है उससे मैं आपको निपटा कर अंगीकार कर लेती हूँ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गोरे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र कौन है, काले हैं। राधा रानी ने अपनी अंग कांति प्रदान करी है श्री कृष्ण चंद्र को और वही श्री कृष्ण चंद्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण के रूप में एक होकर के यहाँ पर प्रकटित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हरिनाम प्रदान करने और भक्तों को शुद्ध भक्ति धारा में लगाने, ये सब तो गौण है, मुख्य जो है राधा रानी के महाभावों का आस्वादन करने ही नहीं, समस्त जीवों को उन आस्वादन को प्रदान कराने के लिए भी आए। और उन्होंने बताया किस प्रकार से तुम सर्वोत्कृष्ट भक्ति कर सकते हो, वह क्या है, वह है किंकरी भाव, किम करोति अर्थात मैं क्या करूं आपकी सेवा के लिए, वह मंजरी भाव। राधा रानी की सखियां बहुत है, युद्ध युद्ध भरे हुए हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ अनन्य कई प्रकार की सखियां हैं, उनमें भी जो स्वपक्ष हैं उनमें भी जो राधा रानी की जो निज दासी अपने को मान करके बहुत छोटी होकर के वो किसी प्रकार से राधा कृष्ण का मिलन तो कराते हैं, हर प्रकार के कष्ट को स्वीकार करके सेवा आनंद प्राप्त करते हैं, तो भी वह कभी भी कृष्ण मिलन स्वयं के लिए कभी भी अपेक्षा नहीं रखते। अन्य अन्य सखियां कृष्ण से मिलन की अपेक्षा रखती हैं, परंतु मंजरी भाव एक ऐसा है जिसमें कदापि कृष्ण से अकेले मिलने की इच्छा नहीं है, राधा रानी को स्वामिनी मान करके कृष्ण की सेवा, ये भाव मंजरी भाव है। ये चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं यहाँ आए, ये चैतन्य महाप्रभु ही, चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में थे, महाराज ने बहुत सारी कथा श्रवण कराई होगी, उसमें चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब नवद्वीप में मायापुर में यहाँ जो लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ भी गंभीर नहीं है, नटखट है, जैसे गोकुल में कृष्ण नटखट लीला करते हैं, गोपियों को जाकर के घर में जाकर के सताते हैं, उनका माखन मिश्रित आदि लाते हैं, ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर छोटी छोटी जो गोपियां हैं या छोटी छोटी कन्याएं हैं, जब यमुना जी में जाकर के, सॉरी यहाँ पर गंगा जी, नवदीप में गंगा जी है, गंगा जी में जाकर के गंगा पूजन इत्यादि करती हैं, शिव जी का पूजन करती हैं, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी ज्यादा बड़े नहीं, अभी बाल लीला करते हुए उन कन्याओं से कहते हैं, हे कन्याओं क्या करते हो, क्या हम ये भगवान शिव के लिए जो है लाए हैं, हम गंगा जी की पूजा के लाए हैं, तो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये समस्त गंगा शिव इत्यादि इन सबका भी जो ईश्वर है वो मैं हूँ, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधर गोविंदा सर्व कारण कारणम, समस्त ईश्वर जिनको तुम मानते हो उनके भी जो ईश्वर है वो मैं स्वयं हूँ। तो वो कन्या कहती है अरे ये नटखट निमाई, निमाई जो है उनका नाम था, तो नीम के वृक्ष के नीचे जन्म होने के कारण मैया और उनके पिता ने नाम दिया निमाई, क्योंकि उनसे पहले कई पुत्र पुत्रियों का निधन हो गया, तो उन्होंने बोला अब की बार ऐसा नाम रखे कड़वा, कहीं ऐसा ना हो ये पुत्र भी चला जाए, इसलिए नाम कड़वा रखा गया निमाई, नीम का जो कड़वापन है उससे हो सकता है कि इस पुत्र की रक्षा हो जाए, इसलिए नाम पड़ा निमाई। और आगे निमाई पिता ने देखा कि विश्वरूप जो उनके बड़े भाई हैं वो संन्यास लेकर के चले गए हैं, तो उन्होंने पढ़ाई को रोक दिया, उस पर इन्होंने जाकर के ऐसा तांडव किया है कि हर प्रकार के भांड जो वहां पड़े थे उन पर जाकर के लेट गए और बैठ गए और धर्म में भी रुष्ट हो गए। तो यहां पर उनको बतलाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो,
क्या जब मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा तो घर में बच्चा बिगड़ेगा ही। जिस प्रकार से अन्य अन्य वहां पर जो आचार्य लोग थे उन्होंने कहा इस बीमारी को पढ़ने दिया जाए, वापस पुनः पाठशाला में लाया गया, तो इन्होंने जो पढ़ना प्रारंभ किया है, पढ़ने की जो लीलाएं की है, बड़े बड़े आचार्य वहां पर घबरा करके इनसे किसी प्रकार का भी कोई भी विचार विमर्श करने से डरते थे, और जो उनके सहपाठी थे वह भी अपना रास्ता बदल लिया करते थे कि ये निमाई पंडित हो गया है और हर प्रकार से हम जो कुछ भी प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देंगे, उसका एक खंडन करेगा। और वो पहले खंडन करते फिर मंडन किया करते थे कि देखो जो तुमने पहले बतलाया वह ठीक था, मैं गलत था, इस प्रकार से उनका नाम बड़ा निमाई पंडित। तो कन्याओं को जो उन्होंने बतलाया कि देखो मैं ही ईश्वर हूं, तो कन्या क्या जो प्रसाद को लेकर आती थी उसको पा जाया करते, जैसे माखन मिश्री खाते थे, ठीक इसी प्रकार से चित्र महाप्रभु बड़ी नटखट लीलाएं हैं। अभी महाराज जी का आदेश हुआ है यही वाणी विराम करने का। धन्यवाद। हमारे नाइडा मठ की ये इंचार्ज है, मंदिर के लिए इंचार्ज है प्रभु जी और नाइडा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पञ्चाकल्पकृतस्य पिपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने हलो कलमस्नासाय जानवाक्तये नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर पुरुषे नमः। जयताम जयताम सुखोपम गौरम मंदवतीर्गति मत् सर्वस्व पदम भुजौ श्री राधा वदनमोह। दिव्यते कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागा सिंहासनस्थौ श्री 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 राधा शिल्पदेवो श्री श्री कृष्णलिपि सेव्यमानो श्रीमान् श्रीमान्स्थिते कर्षण विनुस्वेरि गोपीर्गोपीनाथशेषुन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभिन्न चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अनेक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी अनेक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और श्री वृंदावन ठाकुर चरण कमलों के आश्रय लेते हुए चैतन्य भागवत जी की वंदना करता हूँ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चरणों की वंदना करते हुए श्री चैतन्य चैतन्य का आश्रय लेता हूँ। और हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पर ऊपर से समस्त जो कि मठ सेवक मठ संचालक सुंदर गोपाल प्रभु जी हमारे नवीन कृष्ण प्रभु जी समस्त वैष्णव माताएं प्रभु लोग दीदी लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडक प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ श्री गोविंद जी के छत्रछाया में और यहाँ मदन मोहन जी के चरण कमलों में विराजमान महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु का बहुत लोगों ने नाम सुना है यहाँ पर तो बहुत लोगों ने नहीं सुना महाप्रभु का, जो गौड़ी मठ में जाते हुए जिन्होंने नाम सुना होगा तो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो राधा कृष्ण को तो सब पहचानते ही हैं और ये जो हाथ खड़े करके ये चैतन्य महाप्रभु है, जैसे बता रहे राधा कृष्ण लिख कर
ये सचिनंदन गौर आई है। इनका ही चरित्र हम लोग चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में सुन रहे। तो जो चैतन्य भागवत के जो रचयिता वृंदावन ठाकुर ने जब सबसे पहले वंदना की है तो दोनों को प्रणाम किया है महाप्रभु नीता को, कैसे आज अनुलंबित हो जाओ कनका बजाता हूँ संकीर्तन के पितरो कमलाय तक्षो विश्वम्बरो दिजवरो युग धारण कालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाम। ये करुणा के सागर है, हा? ये संकीर्तन के पिता हैं, ये बहुत परम दयालु हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इनकी दया कहते हैं कि भगवान जब भी आते हैं उनकी करुणा शक्ति उनके साथ आती है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पति। तो भगवान की शक्ति भगवान के साथ होती है, जैसे राधा रानी है तो एक उनकी करुणा शक्ति भी है। तो जब भी भगवान आएंगे नरसिंह भगवान के रूप में तो करुणा आएगी, कृष्ण के रूप में आएंगे तब भी करुणा आएगी, और राम जी के रूप में आएंगे तब भी करुणा शक्ति आएगी। तो भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जगत में अवतरित होते हैं। और भगवान के अनेक अवतार है, जैसे ना केशव ग्रीता वामन रूपा केशव ग्रीता वीर सरूपा केशव ग्रीता नरहरि रूपा केशव ग्रीता राम शरीरा केशव ग्रीता, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। उनमें जो अवतार है मुख्य अवतार क्या है, ये तीन राम भगवान श्री राम, इनको बोलता मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जब जगत में आए तो इन्होंने सिखाया कि एक राजा को प्रजा के प्रति कैसा प्रेम करना चाहिए, एक राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा के प्रति, एक पति को पत्नी के प्रति क्या दायित्व होता है कैसे करना है, भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम है, हाँ उन्होंने दिखाया भरत और राम जी का प्रेम, लक्ष्मण के प्रति उनका प्रेम, और उन्होंने दिखाया एक सेवक का एक सेव्य के प्रति कैसा प्रेम होता है, माता पिता को कैसे प्रेम किया जाता है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य, बहुत सारे उन्होंने इस जगत में क्या है सब चीज की मर्यादा को स्थापित करके इन्होंने जगत में दिखाया, और बहुत सारे जीवों का उन्होंने उद्धार भी किया। परंतु जो उनके सामने आए और जिनकी कुछ सुकृति थी उनका उन्होंने कल्याण किया, फिर इनको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो भगवान श्री कृष्ण आए इनको बोलते क्या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर मनमोहक लीला की है, किसी के क्या बन गए पुत्र बन गए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सारे जगत को चलाने वाले वो आज क्या है यशोदा मैया के पुत्र बन गए, नंद बाबा के पुत्र बन गए, और मैया उनको क्या कर रही है कान ऐठ रही है, जिनसे क्या है काल नेवी जैसे जैसे हैं कर्ण से जिसका पार नहीं पा पाए और जरासंध जिसका पार नहीं पा पाए जिससे काल में भय खाता है वही भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर मधुर मधुर लीला को कर रहे हैं कि बच्चे बन के आए हैं और यशोदा मैया ब्रज गोपियां छाछ कर नचा रही हैं उनको, हैं नंद बाबा कहते कन्हैया मेरे जूते को लेकर आओ। तो कन्हैया जो अनंत कोटि जो ब्राह्मण है जिनकी अवतार के अवतार कला अवतार अंश कला जो भगवान के उनपे सरसों की भांति अनंत कोटि ब्रह्मांड रखे हुए हैं, जो कि एक उंगली पे उन्होंने 7 दिन तक बाएं उंगली पे कर्ण की उंगली पे नक्कियों पर गिरिराज जी पर्वत उठाया वही भगवान आज नंद बाबा कहते कन्हैया मेरी जूती तो उठा के ला, और वो जूती को उठा नहीं पा रहे, ठमक ठमक के आ रहे, बड़े धीरे धीरे से चल रहे हैं, और भैया कभी उनका कान को ऐंठ देती है वो नंद बाबा की देहनी को पार नहीं कर पा रहे, कन्हैया सारे जगत को चलाने वाले हैं उनकी इच्छा कर एक पत्ता भी नहीं था, पर नंद भवन से आगे जब चलते हैं देहनी होती है ना, तो आपने सुना एक देहनी पहले तो अभी तो होती नहीं है पर पहले अभी जयपुर में तो बहुत जगह मैंने देखी है, तो एक फुट की आधी फुट की देहनी होती है उस पर कन्हैया अटक गई, जिनका नाम लेकर एक बार हनुमान जी पूरा क्या हुआ पूरी लंका को छलांग लगा गए, जिनका नाम लेकर क्या हुआ सृष्टि नित्य करने लगते हैं, जिनका नाम लेने से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि कर देते हैं वही आज क्या कर रहे हैं भगवान देहनी को पार नहीं कर पा रहे उस पर अटक गए हैं, पेट के बल रोने लगे मैया मैया मैया, बड़ी बड़ी मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। कभी गोपी कहते कन्हैया थोड़ा नाच के तो दिखाओ कल तुम्हें माखन खिलाएंगे, कन्हैया भूखे हैं कृष्ण को बड़ी नचा रही है,
कन्हैया नाच नाच के थक जाते थे, उनको थोड़ा मक्खन खिलाते थे, कभी किसी के सखा बन जाते, अब कभी किसी के क्या बन जाते, प्रेमी बन जाते, प्रेमी बन जाते हैं और रास रचाते हैं और उस रास के द्वारा सारे जगत को मोहित कर देते हैं। शिव जी भी देखने के लिए आते हैं और रास में प्रवेश नहीं कर पाते, वृंदावन में गोपी शर्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की है, परंतु इस लीलाओं में प्रवेश सबका नहीं हो पाया, उन्होंने सब लोगों का प्रवेश इसमें नहीं कराया। जो कि विशेष सौभाग्यशाली थे, उत्क्रांति पिछले कराई, पिछले जन्म में बहुत संस्कार था, इसलिए उनको धातुचिता गति दिया और उनको क्या हुआ, अपने गोलोक में स्थान देकर तब जाकर उनका कल्याण किया। कोई बहुत कम ऐसे उदाहरण है, परंतु चैतन्य महाप्रभु सचिनंद गौर हरि जब इस जगत में आए, उनको बोलते नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुलसी नमः। और रूप गोस्वामी जी की तिथि अभी आ रही है, हम लोग वृंदावन मनाने जाएंगे, आप यहाँ से बच जाएगी। उन्होंने क्या कहा, अनर्पित चरिम चिरात करुणा उत्तीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रियम हरि पुर सुंदर धुति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फूर्तु वा सचिनंदन। वो सचिनंदन हम सब जीवों के हृदय में स्फूर्त, कौन जिन्होंने जो राम जी ने भी दिया, जो भगवान श्री कृष्ण भी लीला करके गए और उसको मोह को देख गए कि कैसे लीला में प्रवेश हो गया, पर उस प्रेम को नहीं देखे गए। वही क्या हुआ, अनर्पित चरित चिराग करुणा अवतीर्ण करो, इस जगत में वो सचिनंदन गौर हरि करुणा करके जगत में आए और उन्होंने उस प्रेम को रटाया। कैसे रटाया, उसमें उन्होंने कोई अधिकार नहीं देखा कि कोई बहुत विशेष सौभाग्यशाली जो उनके सामने आया उनको ही उस प्रेम को लुटा दिया। जिसके सामने थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, झारखंड के जंगलों में गए, हाथी को प्रेम दे दिया, पशु को, पक्षी को, हिरण को, सब को प्रेम लुटाया, पर जहाँ नहीं जा पाए वहाँ नित्यानंद को भी दिया। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, मेरी आज्ञा से तुम क्या करो, सारे जगत में मेरा ये कृष्ण प्रेम का उपदेश दो, नाम संकीर्तन का उपदेश दो। एक जगह हरिदास ठाकुर जी को भेजा, एक जगह नित्यानंद को भेजा, हमारे इंडिया लाओ बोलो गौर हरि, और क्या जहाँ पर ये महाप्रभु नहीं जा पाए वहाँ पर नित्यानंद आए और इस बाढ़ को लेकर संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेम को उन्होंने लुटाया। और इतना ही किया, फिर जब प्रयाग में जाते हैं, रूप गोस्वामी से मिलते हैं, सिर्फ एक हाथ से नहीं बांटा है उन्होंने नित्यानंद के द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा, और जब वृंदावन दर्शन करने गए वहाँ प्रयाग में रूप गोस्वामी के द्वारा, उन्होंने 10 दिन जो रूप शिक्षा में श्रवण कर रहे थे ना, इतनी सुंदर शिक्षा है, जगत में सबसे दुर्लभ शिक्षा है। अगर आप इन रूप शिक्षा को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे कि प्रभु जी अभी श्रवण करा रहे थे, महाराज जी भी कराएंगे और वृंदावन में आएंगे, उस रूप गोस्वामी के चरित्र को हम सुनेंगे। 10 दिन उन्होंने महाप्रभु ने उनको ये शिक्षा दी, उसमें समस्त वेद पुराण उपनिषद आदि आदि सारी शिक्षाएं आ जाएंगी। ब्रह्मांड भरते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या दी, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दी, भक्ति की परिभाषा दी, साधन भक्ति, भाव भक्ति, हाँ प्रेमा भक्ति बहुत सुंदर दी। और रूप गोस्वामी ने उस शिक्षाओं को लेकर 10 दिन की, उसमें क्या गागर में सागर भक्ति रसामर सिंधु बना दिया, सिंधु का मतलब समझ सागर, इसका आर नहीं पार, सिंधु कैसे नापते हैं सागर को, पूर्व लहरी, पश्चिम लहरी, उत्तर लहरी, दक्षिण लहरी, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे करके उन्होंने भाग लगाए, एक में साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, एक में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और एक में मुख्य 5 प्रकार के मुख्य रथ और 7 प्रकार के गौण रथ और एक रसा भाग हो। बड़ी सुंदर भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ लिखा और उस सिंधु में निकाल कर क्या लाए, उस सिंधु के तले में गए, बिल्कुल नीचे तक गए और उसमें एक बहुत सुंदर उज्ज्वल नील मणिकरण, क्या है, 5 प्रकार के भक्त बताए, शांत, दास्य और वात्सल्य और मधुर रस के भक्त। तो जो मधुर रस के भक्तों के लिए विशेष अधिकार के लिए उन्हें बहुत सुंदर समुद्र में गोता लगा के उज्ज्वल नील मणिकरण ग्रंथ लिखकर आए और उसमें श्रृंगार रस के दो गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था, गोपियां कितने प्रकार के कैसे प्रेम करती हैं, बड़ा सुंदर दुर्लभ ग्रंथ गौड़ी वैष्णव के पास ही और कहीं नहीं है। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जब वो काशी में गए तो सनातन गोस्वामी के उन्होंने सनातन शिक्षा ही दी है, जो इनको पढ़ेंगे तो जीवन में क्या है, संबंध ज्ञान हमारा, हम इस जगत में भगवान को भूल गए, कृष्ण
बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव मायाकार देह संसार आदि रूप। हम भगवान को भूल गए, इस संसार में पड़े हैं, कैसे कृष्ण को याद करना है। उन्होंने सारी सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी ये चैतन्य चरितार्थ में, और उन्होंने सबसे दुर्लभ राय राम समाज गोदावरी के तट पर दक्षिण में गए, तो जो हमारे गौर सुंदर जी कर रहे थे, तो राय राम जो कृष्ण को भी उन्होंने उपदेश दिया भगवदगीता, पर वही उन्होंने जो ये राय राम दिशा को लेकर आए, कृष्ण अर्जुन के रूप में आए और दिशा का सती है, उनसे जो शिक्षाएं उन्होंने खुद यहाँ पर अर्जुन को उपदेश देने और उनके हृदय में संचारित करके कैसे जगत में राय राम संवाद एक ग्रंथ प्रकट किया। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं जगत में जितने भी ग्रंथ है अगर सारे आप प्रकट भी हो जाए और जगत में जितनी भी विद्या है सबसे श्रेष्ठ विद्या है राय राम संवाद, अगर हम इसको श्रवण कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये उन्होंने कहाँ किया, पहले हरिदास ठाकुर के द्वारा, फिर नित्यानंद के द्वारा, फिर रूप गोस्वामी के द्वारा, फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा, फिर राय राम के द्वारा, और फिर उन्होंने रथ यात्रा का प्रसंग बड़े सुंदर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु कहते थे जो मेरे को प्यारा है रथ यात्रा में जरूर आना, और उस रथ यात्रा में रथ के आगे महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी ने जिन्होंने भावों का प्रकट किया है, वो राधा जी का प्रेम क्या है, कैसे उसका आस्वादन किया है, तो रथ यात्रा का जो प्रसंग है चैतन्य चतुर्थी मुख्य 5 प्रसंग है, अगर हम लोग इनको बारंबार सुनेंगे और विशेष का रूप शिक्षा है एक एक करके धीरे धीरे सुनेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हम महाप्रभु की दया सुन सकते कैसे, जो शुरू दामोदर ने कहा दया साम्य शास्त्र विवाद या चित्त उन्मित दया तब दया भूया तब भू दया, कितनी विशेषण बताए दया के महाप्रभु की, जगत में दया के बारे में सुनेंगे परंतु चैतन्य महाप्रभु की दया के हमें सुनेंगे तो क्या वह चित्त में चमत्कार हो जाएगा और हम दिव्य उन्माद चित्त में आएगा और हम लोग मूर्छित होकर गिर जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु जो हमारे महाराज जी जो मदन मोहन मंदिर में गोविंद के सामने जो चैतन्य चरित को सुन रहे, गोविंद जी भी सुनने आते हैं इस कथा को, इतनी दुर्लभ कथा है, इतनी श्रेष्ठ कथा है। तो हम लोगों को भी अभी बहुत प्रसंग बहुत ज्यादा रहा है, समय भी ज्यादा हो गया, अभी महाराज जी शेष करेंगे। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ महाप्रभु हम पे भी दया करें, हम भी कभी इनकी दया की एक कण भी समझ पाए, यही महाप्रभु के चरणों में, इनके समस्त परिकरों के चरणों में, रघुनाथ आदि आदि चरणों में यही वंदना करता हूँ, प्रार्थना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे गौर सुंदर हरे राम हरे राम राम हरे हरे आरती
Thank you.